साथियों, बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 38वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रथम प्रबोधन सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी डेलीगेट को विनती है कि वो सभागृह में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रबोधन सत्र में ओबीसी एवं माइनॉरिटी के लोगों की गलत फहमी है कि पुना पैक्ट केवल एससी एसटी के लिए है, मगर यह वास्तविकता नहीं है, एक गंभीर मंथन। अथवा दूसरा विषय है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन थोपने का सिद्धांत, मूलतः इस्तेमाल करो और फेंक दो का सिद्धांत है। बहुजन समाज को इसकी जानकारी न होने से पूरा पुना पैक्ट आज तक सफल हो रहा है। इसका समाधान कैसे करें, एक गंभीर चर्चा। अथवा अगर राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज 1932 में जिंदा रहते तो क्या गांधी द्वारा पुना करार थोपना संभव होता, अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की विरासत चला रहे थे, एक गंभीर मंथन। इस सत्र में इन तीनों विषयों पर चर्चा होगी। इस चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित है मान्यवर वक्तागण डॉक्टर रघुनंदन निषाद उर्फ मल्लाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरपीवीएम उत्तर प्रदेश, एडवोकेट राज मान्यवर किरण चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ नई दिल्ली, मान्यवर रामधारी दिनकर प्रदेश अध्यक्ष बीएमपी उत्तर प्रदेश, मान्यवर डॉक्टर राजेश कुमार राष्ट्रीय महासचिव इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन नई दिल्ली, मान्यवर डॉक्टर विजय मून प्रसिद्ध हृदय विकार तज्ञ मुंबई, मान्य इंजीनियर श्रीरंग कांबळे IRS महाप्रबंधक सेंट्रल रेलवे मुंबई, मान्यवर सुमिता पाटिल मैडम राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहुजन मुक्ति पार्टी, माननीय सुरेश दादा पाटिल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। सभी मान्यवरों को वक्तागणों को विनती है कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रबोधन सत्र के शुरू में मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रघुनंदन निषाद साहब को कि वो डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। माननीय डॉक्टर रघुनंदन निषाद उर्फ मल्ला। साथियों, आज बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 38वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन सत्र अभी खत्म हुआ है और प्रबोधन सत्र चालू हुआ है। मैं आज इस जमीन पर पूना की धरती पर सर्वप्रथम छत्रपति साहू जी, शिवाजी एवं उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हुआ जिन्होंने समाज को यहाँ तक लाने का कार्य किया और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय बामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली। मैं अभिवादन करना चाहूँगा मंच पर बैठे हमारे समक्ष नेशनल स्पीकर एवं कुशल संचालक महोदय जी, सामने बैठे माननीय विकास विशाल खरात जी, माननीय कुमार काले जी, माननीय मान जी भाई राठौर जी, डीआर ओलकर साहब, HN रेकवार साहब, इंजीनियर मुबारक इराज साहब,
मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हुआ सम्मुख बैठे सभी क्रांतिकारी साथी देश पर और विदेश पर सुन रहे सभी हमारे क्रांतिकारी साथियों सभी को जय मूल निवासी करता हुआ आज का जो विषय है महत्वपूर्ण विषय से शुरू किया गया है ओबीसी एवं माइनॉरिटी के लोगों की गलत फहमी है कि पूना पैक्ट केवल एससी एवं एसटी के लिए है मगर यह वास्तविक सही नहीं है। एक गंभीर मंथन नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन थोपने का सिद्धांत मूलतः इस्तेमाल करो और फेंक दो का सिद्धांत है। बहुजन समाज को इसकी जानकारी ना होने से पूना पैक्ट आज तक सफल हो रहा है, इसका समाधान कैसे करें एक गंभीर चर्चा एवं अगर महर्षि छत्रपद साहू जी महाराज 1932 में जिंदा रहते तो क्या गांधी द्वारा पूना करार थोपना संभव होता अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजर्षि छत्रपद साहू जी महाराज की विरासत चला रहे होते एक गंभीर मंथन। साथियों ये जो विषय है ये महत्वपूर्ण विषय है। हमारे बहुत सारे वक्ता अभी मौजूद हैं जो इस विषय पर तरह तरह से अलग से जानकारियां देंगे। साथियों हमारे जो पूना पैक्ट जो हुआ था वो 24 सितंबर 1923 को जब हमारे लोगों को इसको अधिकार मिले तो उस पर पूना पैक्ट कराने के लिए गांधी ने जिस ओबीसी के लोगों ने बड़े पैमाने से गांधी को मसीहा माना वो गांधी ने हमारे लोगों के साथ क्या किया ये मालूम नहीं है। जैसे ही हमारे लोगों को अधिकार मिलना चालू हुए वैसे ही गांधी के द्वारा बड़े पैमाने में अनशन चालू कराया गया और अनशन जो चलाया वो ऐसा अनशन चलाया कि जिस अनशन से हमारे बाबा साहब को मजबूरन पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर करना पड़ा जो हस्ताक्षर किए उस पर हमारे लोगों ने सोचा और मंथन किया होगा कि बाबा साहब ने यू ही हस्ताक्षर किए। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब जब ये हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे तो गांधी के द्वारा इशारे से न केवल हमारी जनता पर अत्याचार ढाए जा रहे थे बल्कि हमारे वो बस्तियों को भी जलाया जा रहा था उन बस्तियों को भी उजाड़ा जा रहा था जिन बस्तियों पर हमारे बहुजन समाज के लोग रह रहे थे। तो बाबा साहब ने सोचा हम जिनके लिए ये चार अधिकार लेके आए हैं वो अधिकार आज हमारे लोग ही नहीं रहेंगे ये लोग ही ख़त्म किए जा रहे हैं और हमारी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। तो मजबूरी में बाबा साहब ने पूना पैक्ट करार दिया वो सिग्नेचर किए जिस सिग्नेचर के बल पर आज हमारे अधिकार छिन गए। साथियों में कुछ ओबीसी के जो समय मानक रखे गए थे मैं उसको भी उजागर करना चाहूँगा कि जो 22 मार्क्स रखे गए थे 22 अंक 22 अंकों में 11 अंक पाने वालों को पूरे भारत में पिछड़ी जाति घोषित की गई थी वो कौन कौन सी नियम थे कौन कौन से ऐसे पॉइंट रखे गए थे जिन पॉइंटों के बल पर ये अधिकार हमारे बीच पर ओबीसी को या ओबीसी की पहचान कराई गई। साथियों उस पर जो सामाजिक तौर से चार पॉइंट थे वो चार पॉइंट जो थे उनमें पहला पॉइंट है अन्य लोगों द्वारा सामाजिक रूप से
पिछड़ी समझे जाने वाली जातियों को पिछड़ा माना जाए, जो ऊपर अपर कास्ट के लोग, जो नीचे के लोगों को या जो भी नीचे से नीचे को मान रहा है उसको पिछड़ा माना जाए, यह सामाजिक तौर पर एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि अपनी आजीविका को शारीरिक श्रम द्वारा, जो मेहनत करके, मजदूरी करके जो लोग अपना भरण पोषण करते हैं, ऐसे लोगों को भी पिछड़ी जात में माना जाए। तीसरा पॉइंट रखा था, औसतन से 25% ज़्यादा लड़कियों की शादी कम उम्र, यानी 17 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होती हो, 10% लड़कों की शादियां ऐसे उस पर होती हो जिस समाज पर, ऐसे लोगों को भी पिछड़ी जात का माना जाए। साथ ही जिन जातियों में औसतन से 25% अधिक महिलाएं स्वतः काम करके अपने परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हों, ऐसी जातियों को भी पिछड़ी जात को माना जाए। दूसरे उस पर शैक्षणिक जो था, उस शैक्षणिक पर पहला पॉइंट रखा गया है, 5 से 15 वर्ष के बच्चे स्कूल कभी ना जाते हों, औसतन से 25% से ज़्यादा हों, उनको पिछड़ा माना जाए। दूसरा पॉइंट है, 5 से 15 वर्ष के बच्चे स्कूल तो जाते हों लेकिन वो कुछ समय तक स्कूल जाने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हों, ऐसे लोगों के, ऐसी जातियों के लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। अगला पॉइंट है, जिन जातियों पर मैट्रिक पास की संख्या 25% से कम हो, उन लोगों को भी पिछड़ा वर्ग में माना जाए। आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे उनको आर्थिक रूप पर पहला पॉइंट है, पारिवारिक संपत्ति औसतन से 25% कम है, आर्थिक पिछड़ा माना जाए, उनको पिछड़ी जात में शामिल किया जाए। तीसरा, जो जाति के 25% से ज़्यादा कच्चे घरों में रहने वाले हों, उन लोगों को भी पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। एक अगला पॉइंट, जिन जातियों में 25% से अधिक लोग खर्चे के लिए लोन लेते हों, ऋण लेते हों, लम्बरदारों से ब्याज लेते हों, उससे अपना भरण पोषण करते हों, ऐसे लोगों को भी पिछड़ी जात में शामिल किया जाए। साथ ही इनमें से जो पॉइंट हैं, सामाजिक जो 4 थे वो 3 अंकों का पॉइंट, 1.3 अंक का है, और जो शैक्षणिक है वो 1.2 अंक का है, और जो आर्थिक है 1.1 अंक का है। इस तरह से 11 अंक पाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा माना गया, और जो पिछड़ा माना गया उन लोगों के लिए बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने जब यह बात उठाई कि पिछड़े लोगों को भी पहचान मिलना चाहिए, इनको भी हक और अधिकार मिलना चाहिए, तो ऐसी ये बात संसद में स्वीकार नहीं किया और वो अमल में नहीं लाया गया, तो बाबा साहब ने उस समय अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कार्य किया था। साथियों, साथ ही हमारे बीच में जिस ओबीसी के लोग या पिछड़ी जात के लोगों ने गांधी को साथ दिया, का साथ दिया, उस गांधी ने न केवल हमारे अधिकारों का हनन किया बल्कि जो हमारी पुश्तैनी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, लंबी बहुत दूरी तक की सोच रख कर के उन्होंने ऐसा विधान और कानून को सोचते हुए हमारे हक और अधिकार छीनने का बड़े पैमाने में कार्य किया। मैं ऐसे धूर्त गांधी को नहीं मानता हूँ और ना ही पिछड़ी जात के लोगों को मानने देने का सलाह देता हूँ। साथियों, SC ST के लोगों को जो पूना पैक्ट डायरेक्ट हुआ, लेकिन OBC के लोगों को ये डायरेक्ट पूना पैक्ट नहीं हुआ,
ये इनडायरेक्ट तौर पर लागू किया गया। जैसे जो भी व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि चुनकर जाता है और जो व्यक्ति चुनकर जाता है वो हमारे जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है, वो निश्चित तौर से रखा हुआ जैसा प्रतिनिधि होता है। हमारे बीच पर बहुत सारे एससी एसटी माइनॉरिटी के और ओबीसी के लोग जो विभिन्न दलों में, चाहे वो बीजेपी का दल हो, कांग्रेस का दल हो या ब्राह्मणों का कोई दूसरा दल हो, जो चुन के जाते हैं वो निश्चित तौर से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं और ना ही वो जनता की बात कहते हैं। वहाँ पर जो बात करते हैं वो सिर्फ पार्टी की बात करते हैं और पार्टी के लिए ही वो काम करते हैं। आज की डेट पर बड़े पैमाने में जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के तहत आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश पर पिछड़ी जात के लिए आज भी ऐसी हालात बनी है कि अभी आप देखेंगे क्राइम की दुनिया में, तो अभी डाटा खोल के निकालोगे तो एससी एसटी का क्राइम कितना हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पिछड़ी जात का प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से इसका इनडायरेक्ट क्या इफेक्ट हुआ, वो जो इफेक्ट हुआ है कि किसी भी सूरत पर हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और वो आवाज़ ना उठाने की वजह से हमारी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे क्राइम लगातार जो हो रहे हैं वो क्राइम किसी भी तरह से गूगल में फीड नहीं किए जाते हैं, जिससे ओबीसी के लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। साथियों, हमको जो आरक्षण के तौर पर नाम पर जो आरक्षण दिया गया वो 16 नवंबर 1992 को जो हम लोगों को दिया गया वो देखने को 16 नवंबर 1992 एक छोटी सी बात आती है, लेकिन इधर आप देखिए कि 17 अगस्त 1932 को जब हमारे एससी एसटी लोगों को अधिकार मिला लेकिन ओबीसी को 60 साल 2 माह 29 दिन बाद जब हमारे ओबीसी को अधिकार मिला तो कैसे मिला, वो भी क्रेमिलियर लगा के मिला। उस समय जब क्रेमिलियर लगाया गया तो उस क्रेमिलियर लेयर में क्या हुआ, हमारे लोगों को, ओबीसी के लोगों को क्रेमिलियर का मतलब सही ढंग से जानकारी ना होने का अभाव है। क्रेमिलियर में उस समय जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया थी वो क्रेमिलियर का उसको कोई भी फायदा नहीं मिलने को था, उनको किसी भी तरह से आरक्षण नहीं मिलना था। जो लोग 1 लाख से ऊपर जिनकी इनकम वार्षिक थी वो अच्छी शिक्षा दे सकते थे, पढ़ा सकते थे, तो उन लोगों को इसका लाभ दिया नहीं जा सकता था, और जिनकी इनकम 1 लाख से कम थी उनको वो पढ़ के ऊपर नहीं जा सकते थे तो उसका लाभ ले नहीं सकते थे। साथियों, तो हमारे लोगों को उस समय ये क्रेमिलेयर ना जाना जा सके इसके लिए मंडल कमीशन को दबाने के लिए एक कमांडल प्रोपोगंडा फैलाया गया। वो कौन सा कमांडल, जो अयोध्या में आज हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर राम जन्मभूमि के नाम पर जो वहाँ पर किसी तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि अयोध्या राम की नगरी थी, उस बाबरी मस्जिद को गिराने के नाम पर सारा पिछड़ा वर्ग दौड़ गया और अपने हक अधिकार को नहीं जान पाया। इस हक अधिकार को अगर हमने यूं ही सोते रहे, नहीं जागे, तो आगे आने वाले समय पर हमारा जो ओबीसी के अधिकार हैं वो सभी जा रहे हैं। हम लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि अगर हमने धर्म के नाम पर इन लोगों का साथ दिया तो हमारा सब कुछ जाने वाला है, हमारा लोकतंत्र भी बचने वाला नहीं है, संविधान भी बचने वाला नहीं है। हमको ऐसी स्थिति पर बामसेप का साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। साथ ही मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ
मैं उस पर संचालक महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि 5 मिनट का समय इजाजत हो तो मैं वीरांगना फूलन देवी के बारे पर भी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि उनको भी किसी तरह से पूना पैक्ट का इफेक्ट हुआ है, जिस वजह से बड़े पैमाने पर उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ, तो मैं उस पर बात रखना चाहता हूँ। साथियों, हमारे वीरांगना फूलन देवी चंबल से बिलोंग करती थी, मैं भी वीरांगना फूलन देवी के रिलेशन पर आता हूँ। पूरा देश और दुनिया देख रही होगी, वीरांगना फूलन देवी को विश्व की चौथी सशक्त और संकल्पित अपने न्याय के प्रति खड़ी होने वाली महिला के नाम से जाना गया। वीरांगना फूलन देवी को जब क्षत्रियों ने अपने गांव में उठा के वो ले जाते हैं तो उनके साथ क्या न्याय होता है, साथियों, यह किसी पिक्चर ने नहीं दिखाया, किसी किताब पर अभी तक नहीं छपा। वीरांगना फूलन देवी को उस गांव में ले जा करके 7-8 दिन लगातार उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, बलात्कार किया गया सामूहिक तौर पर। और याद करो, जरा सोचो, कहीं वो हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी पत्नी अगर कोई भी हो, उसके साथ ऐसा बर्बरता के साथ अत्याचार हो तो क्या होगा। साथियों, वो रोती रही, बिलखती रही, गड़गड़ाती रही, उसकी न्याय करने वाले वो क्षत्रियों ने उसकी बात को नहीं सुना। जब उसकी बात को नहीं सुना, उसकी बहुत हालत गंभीर हो गई और वो चलने, उठने, बोलने के लायक भी नहीं रही, तो उसको उसकी सभा एक वहाँ बुलाई गई, जिस सभा पर क्षत्रियों ने उससे नग्न होकर के, नग्न करा करके, और बहुत बड़ा कुआ, जिस कुआ को सबूत के तौर पर मिटाने का इस समय काम किया है, उस कुआ को अब नष्ट-नाबूद कर दिया, वो कुआ अब नहीं रहा है, और उस कुएं पर पानी भरवाया क्षत्रियों को पानी पीने के लिए। नग्न अवस्था में सभी को पानी उस क्षत्रियों को पिलवाया गया और साथ ही उस फूलन को जाने दिया गया। जब वो फूलन वहाँ से चली जाती है तो क्या होता है कि वो किसी तरह से चलती है, उठती है, गिरती है और यमुना नदी के किनारे को बढ़ रही है। लंबा रेत का सफर पड़ता है, उसी पे वो चल रही थी। जब वो फूलन रेत रेत आगे बढ़ती है तो उस रेत पर चलती जाती है, सोचती है मुझे कोई देख ले और पार कर दे, मेरी जिंदगी बच जाएगी, इन राक्षसों से, इन बवालियों से लगता है हम बचने वाली नहीं है। इधर उन क्षत्रियों ने सोचा कि जो मल्लाह, जो मछुआरे, जो मछली पकड़ने वाले, जो लोग पूरे देश और दुनिया में रहते हैं, अगर ये खबर पूरी देश और दुनिया को पता लगा तो जिनके बल पर हम केंद्र पर सरकार बनाते हैं, जिन मल्लाहों, जिन निषादों, केवटों, ढीमरों और जो भी उपजातियों के बल पर हम सरकारें बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाते हैं, वो लोग हमें वोट देने वाले नहीं होंगे और हम सरकार किसके बल पर बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उसको पकड़ के लाओ, नहीं तो हमारा सबका सब सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने वहाँ पर से लड़कों को कुछ को दौड़ाया और दौड़ा करके उस महिला को जो घसीटते हुए वहाँ पर लेके वापस फिर आते हैं उसी कुआ पर और 3 दिन तक और रखते हैं। रखने के बाद उसके साथ फिर से सामूहिक बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद उसको जब होश नहीं रहता है, पहचानने में बिल्कुल आंखें चली जाती हैं, तब उसको एक चद्दर बिछा करके उस पर लिटा करके, गांठ लगा करके, उसकी पोटली बांध करके, सर पर रख करके उसको एक नौका में रखवाते हैं और रात में उस नाव को बहते हुए धारा में नीचे को ले जाते हैं। जब नीचे को ले जा रहे हैं, उसी धारा को जहाँ तक बहते ले जाते हैं, जहाँ तक 84 गांव क्षत्रियों के पड़ते हैं, वो सारे के सारे जब गांव निकल जाते हैं, जब मछुआरों के और मल्लाहों के गांव शुरू हो जाते हैं, उस जगह पर उसको उस बोट से, नाव से उसको पटक देते हैं, डाल देते हैं। वहाँ कुछ मछुआरों ने देखा तो उन मछुआरों ने उसको ला करके उठाया कि पता नहीं कोई भारी भरकम चीज गिर गई है, वस्तु गिर गई है, जिस वस्तु के इन लोगों को पता नहीं है,
उठाने के बाद देखा तो फूलन का दिल धड़क रहा था, नब्ज चल रही थी, उसको छोड़ करके उस गांठ से और उसको ले जा करके ग्वालियर में किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस समय 1.5 लाख रुपया खर्चा करा करके उसको ठीक कराने का कार्य किया, उसका इलाज हुआ। साथियों में संदेश देना चाहता हूँ कि वीरांगना फूलन ने उस समय फांसी नहीं लगाई, वीरांगना फूलन ने अपने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या नहीं किया। उस समय अगर हमारा ओबीसी का नेतृत्व होता तो वीरांगना फूलन देवी का साथ सहयोग देता, लेकिन स्वतः वीरांगना फूलन देवी ने उस अन्यायकारियों के लिए वहाँ चढ़ाई करके 22 क्षत्रियों को मारने का काम किया था। यहाँ तक कहा जा सकता है कि वो वध करने का कार्य किया था। और वीरांगना फूलन ने स्वतः अपनी खुद की आज़ादी, अपना खुद का जो अन्याय किया था उनका खुद का बदला लिया। साथियों हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारा सब कुछ जा रहा है, कुछ बचने वाला नहीं है। हम सबको चेतना होगा, हम सबको जागना होगा, हमारे लोगों को आगे आकर के ये सब करना होगा। साथियों आप लोगों ने हमारी बात को सुना, सभी को धन्यवाद। जय मूलवासी, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। धन्यवाद डॉक्टर रघुनंदन निषाद साहब, आपने इस विषय के संदर्भ में बात रखी। वक्ता के अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय कुमार मून, जो कि प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट है मुंबई से। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपनी बात विषय के संदर्भ में रखे। माननीय डॉक्टर विजय कुमार मून। हेलो हेलो सर, बोला तुमचा आवाज येतोय। हाँ येतोय ना। हाँ मैं डॉक्टर विजय मोहन बोल रहा हूँ मुंबई से। साथियों यहाँ आज का जो सत्र है, जो दोपहर के 3 से शुरू हुआ है, उसमें भामसेब ने मुझे वक्ता करके यहाँ पे बुलाया है और आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। साथियों भामसेब की यहाँ जो लड़ाई चल रही है, खास करके यहाँ की ब्राह्मणी व्यवस्था के साथ, उन सारी चीज़ों में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज अपने को मालूम है कि आज ही के दिन बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को एक ग्रंथ जलाया था जिसका नाम था मनुस्मृति। वहाँ मनुस्मृति जलाकर बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा बिगुल बजाया था ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ, और जिसके कारण जो शूद्र थे उनको मानसिक रूप से गुलामी से निकालकर, और उसके साथ साथ ही स्त्रियों को भी गुलामी से निकालने का एक महत्वपूर्ण काम बाबा साहब ने किया हुआ। आज हम लोग देखते हैं, और हमारे लिए जो आज का ये विषय भी है कि भाई ओबीसी एवं माइनॉरिटी के लोगों को गलतफहमी है कि पूना पैक्ट केवल एससी एंड एसटी के लिए है, मगर यह वास्तविकता नहीं है। सही बात है, यह जो विषय दिया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम लोग जब समाज में रहते हैं तो हमारे ध्यान में यहाँ आता है कि शूद्र कहने के बाद ओबीसी भाई लोग अपने आप को शूद्र नहीं समझते हैं, बल्कि वह यहाँ समझते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट या जो अछूत लोग हैं या जो आदिवासी लोग हैं वे ही लोग वास्तव में शूद्र है। ऐसा जो ओबीसी भाइयों की सोच है, उस सोच को दूर करना यह बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आज के आज़ादी के 70 साल के बाद भी, और करीब करीब मनुस्मृति के जलाए जाने के करीब करीब 90 साल के बाद भी, यह जो विचार है ओबीसी भाइयों तक नहीं पहुंच पाया है कि ओबीसी ही वास्तव में शूद्र है, और यहाँ की सारी जो जनता है बाकी, जो
ओबीसी में से ही निकलकर अलग अलग विभागों में विभाजित हुई है। हम जानते हैं कि शूद्र जो एक समूह है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था का चौथा हिस्सा है, ब्राह्मणी व्यवस्था की चौथे हिस्से के कारण, मनुस्मृति के कारण और भी काफी जो धर्म ग्रंथ है ब्राह्मणों के, उन ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों के कारण आज यह परिस्थिति हुई है कि करीब करीब जो 85% जो ब्राह्मणी धर्म के लोग हैं और ब्राह्मणी धर्म ने उनको गुलाम बना के रखा हुआ है, और बाबा साहब ने भी 90 साल पहले यह जो मनुस्मृति ग्रंथ जलाया था उसके बावजूद भी ओबीसी के लोगों में काफी इसकी कुछ जानकारी नहीं है, जबकि वह यह समझते हैं कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का ग्रंथ जलाया है वो खास करके अछूतों के लिए है और आदिवासियों के लिए है जिन्हें हम लोग आज अति शूद्र कहते हैं। और यह जो अति शूद्र और आदिवासी लोग, सच में कहा गया जाए या माइनॉरिटी के लोग, यह पूर्व के सारे ओबीसी ही लोग हैं, और ओबीसी लोगों में से ही इनको सामाजिक जो ढांचा ब्राह्मणों ने बनाया उसके हिसाब से उसको उन्होंने विभाजित किया हुआ है। बाबा साहब ब्राह्मणों ने तो करीब करीब जो शूद्र जाति की 6,000-6,500 जातियां बनाई हुई हैं, बाबा साहब ने इन 6,500 जातियों को 3 विभागों में खास करके बांटा हुआ है। वहाँ है एक ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। आज हम जानते हैं कि करीब करीब 52% से लेकर तो 55% तक की जो आबादी है शूद्रों की वहाँ ओबीसी की है, और जो 14% और 7% जो आबादी है वहाँ शूद्रों की है, और 7% जो आबादी है वहाँ आदिवासी लोगों की है, बाकी की जो है वो हायर कास्ट के है। ऐसा करके ब्राह्मणी धर्म में ने इनको गुलाम बनाया हुआ है। आज का विषय खास करके इसी के लिए चुना गया है कि ओबीसी वर्ग के लोगों को यह मालूम पड़े कि वहाँ कोई बहुत बड़ी जाति के लोग नहीं है, वहाँ उन्हीं का जो शूद्र करके जिनको मनुस्मृति में संबोधित किया है वहाँ दूसरा तीसरा कोई न होकर वहाँ ओबीसी ही है। और ओबीसी इस गुरूर में है कि हम लोग शूद्रों से, अति शूद्रों से या आदिवासियों से ऊंची जात के है, ऊंचे तबके के है, पर सामाजिक जो परिवर्तन इतनी सदियों में हुआ है, ब्राह्मणी धर्म ने इस समाज का जो विभाजन किया हुआ है उस विभाजन के कारण ही यहाँ ओबीसी समाज जो पहले भी था या जो शूद्र था उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। और हमारे जो महान मार्गदाता लोग हैं, जैसे हम जानते हैं कि यह जो समानता की लड़ाई है यहाँ बुद्ध से शुरू होती है, जिन्होंने संसार भर में अपना लोहा मनाया है और आज भी उनको संसार में एक संगठक के रूप में ही जाना जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय की शिक्षा दी, और उन्होंने इस स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय को समाज के हर पहलू तक, हर तबके तक, वो जो चाहे निचली बादान का हो या ऊंची बादान का हो, वहां तक पहुंचाने का जितना अथक प्रयत्न भगवान बुद्ध ने किया है उतना शायद उसके पहले किसी ने किया नहीं था। और उसी की कड़ी लेकर फिर सामने सम्राट अशोक भी हुए हैं, और आधुनिक काल में हम लोग देखते हैं कि शाहू महाराज जी हैं, राष्ट्रपिता फुले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, कांशीराम जी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर ही यह कारवाई यहाँ तक लेके आए हैं। पर आज भी लड़ाई हमारी क्यों अधूरी रह जाती है, उसका एक बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण कारण यही है कि जिसे हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं और जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनकी मिलाकर संख्या सिर्फ 20% तक होती है या 21% तक होती है, मगर जो बहुत बड़ा तबका है जो 55% और 56% तक का पहुंचता है, वहाँ जो शूद्र समाज है या जो ओबीसी समाज है उनको अभी भी इस मूवमेंट में आने की हिम्मत नहीं होती है या वहाँ आना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा जानने का विषय हो सकता है, मगर आज भी हम देखते हैं कि इस जागृति के लिए सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं किया जा सकता है कि भाई शाहू महाराज जी ने या फिर राष्ट्रपिता फुले जी ने या
बाबा साहब ने या फिर कांशीराम जी ने उसके लिए मेहनत की थी, इनका ही तो मेहनत, तो ये तो मील के पत्थर हैं, इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मगर बहुत सारे और भी छोटे छोटे जो नेता लोग हैं उन्होंने भी ओबीसी को जगाने का काफी अथक प्रयत्न किया है, मगर अभी भी जितनी हमें सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता अभी तक हमें नहीं मिली है। इसका कारण, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर इसका एक मुख्य कारण जो कहा जाता है कि ओबीसी भी करीब करीब 3,500 जातियों में विभाजित है और 3,500 में की जातियां भी वहां अपने आप को अति शूद्रों से या आदिवासियों से या माइनॉरिटीज से अपने आप को ऊंची समझती है और वहां अपने आप को ब्राह्मणों के करीब समझती है या ऊंचे जाति वालों के पास अपने को अपने आप को करीब समझती है, और ब्राह्मण या ऊंची जात वाले भी यहाँ जानबूझकर उनको अपने पास पकड़ के रखते हैं। खास करके उनकी पकड़ इससे महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने ओबीसी समाज को जो है सारा धर्म के नाम पर जकड़ के रखा हुआ है, धर्म की सोच उनमें इतनी ज्यादा भर दी गई है, ऊंच निष्ठा की जो सोच है ब्राह्मणी धर्म में उनमें इतनी ज्यादा भर दी है, उनको इतने ज्यादा अधिकार छूतों अछूतों से और आदिवासियों से ज्यादा वो लोग देते हैं, इसलिए उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी अछूतों से या आदिवासियों से ऊंची जात के हैं। यहाँ जो लड़ाई आज बामसेब के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है, यह वास्तव में एक बहुत बड़ी लड़ाई है और माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है यहाँ एक हमारे लिए एक पूरा सबक बन सकती है और सबक बननी भी चाहिए, क्योंकि यदि ओबीसी समाज जागृत होता है और इसमें से 15 या 20% लोग भी, यानी 56% में से करीब करीब समझो 20-25% भी यदि जागरूक हो जाते हैं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा और हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उनके सामने या ब्राह्मणी धर्म के साथ लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं। मगर विडंबना यही है कि जितने भी बड़े नेता है जो दूसरे समाज से आते हैं वहाँ अपने आप को अभी भी यही कहते हैं कि हम लोग इनसे बड़े हैं। हम आज भी जानते हैं कि जैसे नीतीश कुमार जी है या फिर मुलायम सिंह यादव जी है या अखिलेश यादव जी है या फिर महाराष्ट्र में राणे जी है या भुजबल है या और बिहार में अपने लालू प्रसाद जी यादव जी है, और ऐसे ही भी कई लोग नेता लोग हैं जो ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं मगर वहाँ उनके समूह तक ही सीमित होते जा रही है और वहाँ लड़ते लड़ते वहाँ तक सीमित होने के कारण जो फल आना चाहिए वहाँ हमें उस फल की प्राप्ति होती नहीं है। माननीय मेश्राम जी के वामन जी मेश्राम जी के नेतृत्व में जो उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है, एक व्रत लिया हुआ है कि मैं इन सारी जातियों को इकट्ठा करने की भरकस कोशिश करूंगा और सामाजिक न्याय लाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगा, इस कोशिश को वहाँ कहाँ तक अंजाम देंगे यहाँ हम आज रोज दिन देख रहे हैं। उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हमें भी जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है उन्हें भी हर पल यह मेहनत करती रहनी पड़ेगी कि भाई हम अपने ओबीसी भाइयों को समझाएं कि वहाँ एक शूद्र समाज के एक बहुत बड़े घटक है और जब तक वहाँ शूद्र समाज इन दूसरी एससी और एसटी के साथ ज्वाइन नहीं होता है या माइनॉरिटीज के साथ ज्वाइन नहीं होता है तब तक जो हमें निश्चित फल चाहिए वहाँ निश्चित फल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ आज का जो विषय है सच में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि भी बाबा साहब ने भी जो अपनी लड़ाई शुरू की थी वहाँ भी खास करके ओबीसी के ही हकों के लड़ाई से शुरुआत की थी। यदि आप 1919 में भी जाए तो भी प्रथम जो बाबा साहब ने जाधव जी के साथ जो लड़ाई लड़ी थी वहाँ भी बाबा साहब के नेतृत्व में ही लड़ी गई थी। यहाँ तक कि 1927 को जैसे मैंने कहा कि भाई मनुस्मृति जो जलाई गई है वहाँ भी शूद्रों के लिबरेशन के लिए, शूद्रों के आज़ादी के लिए, स्त्रियों की आज़ादी के लिए ही उसको जलाया गया था, यह नहीं कि भाई वो अछूतों के लिए किया गया था। 1932 में बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी जिसका हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से वो जानी जाती है, वहां पे भी बाबा साहब ने जो हक और अधिकार शेड्यूल कास्ट
और शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने मिलाए थे, वहां गांधी जी ने उसे मरणांतक कुपोषण करके उन्हें खत्म कर दिया। और बाबा साहब की इतनी मेहनत और इतना उन्होंने जो श्रम लिया था उसके ऊपर एक भावनात्मक तरीके से, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपनी मौत का सौदा कर बाबा साहब को ब्लैकमेल किया था, और उसी ब्लैकमेल के कारण यह नतीजा हुआ कि बाबा साहब को उनकी इच्छा न रहते हुए भी उस पुना पैक पर साइन करनी पड़ी। और उस पुना पैक का नतीजा है कि आज हमारे जो सच्चे प्रतिनिधि समाज में जाने चाहिए वहां सच्चे प्रतिनिधि नहीं जा पाते हैं। यही जो पुना पैक उस वक्त 1932 में या उसके बाद जो लगा हुआ है वो खास करके हम जानते हैं कि वहां शेड्यूल कास्ट के लिए था, मगर यही बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए भी लगाया गया, और यही बाद में ओबीसी के लिए भी लगाया गया, जिसके कारण जो सच्चे प्रतिनिधि है वहाँ एससी के रहो या ओबीसी के रहो, वहाँ संसद में नहीं पहुँचते, वहाँ विधानसभा में नहीं पहुँचते, वहाँ ना कोई राजनीतिक उनका वजन होता है। इसलिए हमें यहाँ बहुत जरूरी है कि भाई पुना पैक का भी रिकार करना चाहिए। मैं पुना पैक का इसलिए इसमें बता रहा हूँ कि जो पुना पैक की जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्टली ओबीसी के नाम से उनका हक और अधिकार छीनते हुआ दिखता नहीं है, मगर जो भी मायने उसमें लगाए गए हैं पुना पैक में, वही मायने ओबीसी के लिए भी उन्होंने लगाए हैं, जिसके कारण ओबीसी के भी जो नेतागण है, जो ओबीसी के भी जो सच्चे प्रतिनिधि है वहाँ संसद में या विधानसभाओं में या राजनीति में पहुंच नहीं पाते हैं, और जिसके कारण समाज का बहुत ही ज्यादा नुकसान होते जा रहा है। इसलिए इस लड़ाई के लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। ओबीसी का एक बहुत ही अलग पहलू है, और इसको बाबा साहब ने बार बार उजागर किया हुआ है कि ओबीसी यानी शूद्र पूर्वी पहले कौन थे। यहाँ किताब भी बाबा साहब ने लिखी हुई है जिसमें शूद्रों की कैसे रचना हुई है इस बारे में बाबा साहब ने उस पुस्तक में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। बाबा साहब ने दूसरी भी एक किताब लिखी है जिसमें द अनटचेबल्स यानी अछूत कौन है, यह जो किताबें भी है यह भी एक बहुत बड़ा सामाजिक दस्तावेज है, और जो हमें निरंतर जिसका मनन और पठन करना चाहिए, ऐसी जो चीजें है उसके कारण ही। और यह जो किताबें हैं यह भी जो ओबीसी समाज है वहां तक नहीं पहुंच पाई है, यहाँ हमारी भी एक जिसे हम लोग कह सकते हैं फेल्यूर है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां तक नहीं पहुंच सकती, मगर साधनों और संसाधनों की जो जरूरत हम लोगों को चाहिए वो हम लोग वहां तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी साधन संसाधन कम है। हमारी भी लड़ाई जो अभी बाबा साहब के बाद हुई है वो भी 50-60 साल के बाद, उसमें थोड़ी तेजी आई है, खास करके कांशीराम जी के वो काम के बाद, जो करीब करीब ऐसा समझ लीजिए कि 1968 के बाद से उस कार्य में तेजी आई हुई है, जिसे निरंतर वामन मेश्राम जी लड़ रहे हैं, और हम सोचते हैं कि वहाँ एक अंजाम तो उसको जरूर देंगे। और ओबीसी भाइयों को यहाँ जागरूकता आने के लिए भी वहाँ कई कार्यक्रम लगाते हैं, उसमें से भी यह एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन होने के कारण यह होता है कि हमारी जो दुख दर्द रहते हैं या जो हमारे अधिकार रहते हैं वहाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और जिसका हमें कोई भी फायदा नहीं होता। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन यानी कि भाई किसी भी पार्टी का कोई नेता रहता है जो भले ही ओबीसी एससी एसटी का होगा, मगर वहाँ दूसरी जो शासक पार्टियाँ हैं उस शासक पार्टियों में से जब वह संसद में पहुंचता है तो उसे सिर्फ शासक पार्टियों की ही बात करनी पड़ती है। वहां दूसरी जो उसके समाज के लोग है, जैसे यदि ओबीसी का कोई नेता यदि वहां संसद में पहुंच जाता है, समझो मान लीजिए कि वहां बीजेपी से यदि वहां संसद में पहुंच जाता है, तो वहां वहां जाकर वहां सिर्फ बीजेपी के जो समर्थन में जो चीजें हैं या जो बीजेपी के फायदे की चीजें हैं उन्हीं फायदे की चीजों में वहां अपना ध्यान देता है, और जो सामाजिक लोग हैं जो उनके आजू बाजू के लोग हैं उनके ऊपर वहां ध्यान भी नहीं देता, या उसके जो
हक है, खास करके वो जो संसद है, सांसद है, उनके हक भी यहाँ पार्टियां निकाल लेती हैं। और वो जो सांसद रहता है वो भी कहता है कि भाई मैं आपके भरोसे पर चुन के नहीं आया हूँ, मैं तो बीजेपी के भरोसे पे चुन के आया हूँ, मैं कांग्रेस के भरोसे पे चुन के आया हूँ। आज हमें वहां दिन देखना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम अपने ही भरोसे पर चुन के आए, ताकि हमें अपनी बात संसद में कहने का मौका मिले, हमें अपने समाज के जो प्रश्न है, जो हमारे समाज का पिछड़ापन है, उसे सब लोगों के सामने उजागर किया जा सके, सब लोगों के सामने उसे रखा जा सके, और वहां रखने के बाद जो हमें फायदा मिलेगा वहां एक बहुत ही अलग फायदा रहेगा। आज अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जब से ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ है, तब से करीब करीब भारत वर्ष में 9 लाख लोगों की, ओबीसी लोगों की नौकरियां चली गई है, और करीब करीब 11,000 11,500 जो उनके डॉक्टर बनने वाले थे वह नहीं बन पाए हैं। कितने ही जो ओबीसी के जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन चुके थे, मोदी गवर्नमेंट ने उन सारे जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन ही कैंसिल कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी साजिशें चलने के बाद भी ओबीसी समाज में इतनी कोई जागरूकता और इतना कोई संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए यहाँ व्यथित करने वाली चीजें है। यहाँ जो हो रहा है ओबीसी समाज के साथ, वह उसे क्यों इतना हल्के में लेता है यहाँ बताना कठिन है। और हम लोग जैसे बार बार कहते हैं कि भाई यहाँ जो काम है कठिन तो है ही, मगर कुछ पहल उधर से भी होनी चाहिए, कुछ पहल इधर से भी होनी चाहिए। ओबीसी समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, हम जो बार बार नाम गिनाते हैं, शाहू महाराज जी ओबीसी के थे, फुले जी भी ओबीसी के ही थे, और शिवाजी महाराज भी ओबीसी समाज से ही थे, उन्होंने भी इतना बड़ा संघर्ष किया, मगर सारा ओबीसी समाज पता नहीं क्यों ब्राह्मणवाद के गिरफ्त में तुरंत ही आ जाता है और अपने समाज के बड़े बड़े नेताओं की जो बातें हैं वहां भूल जाता है। यहाँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, यहाँ सिर्फ बात ओबीसी के साथ ही लागू नहीं होती, यहाँ बात एससी एसटी या माइनॉरिटीज के लोगों के साथ भी लागू होता है कि वो पूरे अपने जो नेतागण हैं उन नेतागणों की जो बातें हैं उन्हें पूरा ध्यान में नहीं रखते हैं, और कितने ही इधर से उधर चले जाते हैं, कितने ही उनके विरोध में चले जाते हैं। ये पता नहीं कब हम लोगों को इतनी समझ आएगी और हम लोग कब उस रास्ते पर चलेंगे, यहाँ कहना मुश्किल है। मगर इससे हताश होने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नेतागण हैं हमारे जो काफी मेहनत कर रहे हैं। आज हम वामन मिश्राम जी को देखते हैं कि वो एक भी दिन उनका ऐसा नहीं जाता है कि जो खाली हो और उन्होंने आराम किया हो, हर दिन कोई ना कोई उनका कार्यक्रम लगा हुआ रहता है और वहाँ उस कार्यक्रम के लिए जी जान तोड़ से मेहनत करके उसे सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ उनका भी सक्सेस है और जो उनके साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है उनका भी सक्सेस है, उनका भी काफी बड़ा उसमें हिस्सा है, और यहाँ कारवा हमेशा बढ़ता जाए ऐसा मैं सोचता हूँ। और हम लोगों ने भी इसी तरीके की धारणा बनानी चाहिए कि वहाँ दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग अपनी विजय प्राप्त करेंगे और इस समाज के साथ जुड़कर हम अपनी राजकीय सत्ता भी लेंगे, क्योंकि राजकीय सत्ता ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है और जिससे लोगों में एक तरीके का अलग विश्वास जगता है। और इसीलिए वहाँ राजकीय जो परिस्थितियां है वहाँ किसी भी हालत में राजकीय स्थिति जो है वहाँ इन शूद्रों के हाथ में जाने नहीं देना चाहते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था का मतलब ही ऐसा है कि ब्राह्मण वहाँ जो है वहाँ ज्ञान भी अर्जन करेगा, पैसा भी अर्जित करेगा और सत्ता भी भोगेगा। क्षत्रिय लोग जो है वहाँ सत्ता भोगेंगे और पैसा भी अर्जित करेंगे, और जो वैश्य समाज है वहाँ पैसा भी जमाएगा मगर उसे ज्ञान की और सत्ता की उसे चाबियां नहीं मिलने वाली है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा ही आज भी हो रहा है शूद्रों को, मगर यहाँ इन तीनों वर्ग की सेवा करती रहनी पड़ती है, और तीनों वर्गों की सेवा करने के बावजूद भी उसे मनुस्मृति ने यहाँ कहा है कि वहाँ सेवा करने के बाद भी सत्ता में जाने उसे नहीं जाने देना चाहिए, उसे पैसा नहीं कमाने देना चाहिए, ताकि
यदि वहां पैसा कमाएगा या सत्ता में जाएगा तो वहां ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा और वहां ब्राह्मणी व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने की भी कोशिश करेगा। और साथियों, यही बात हमेशा होते आ रही है, वो लोग हमेशा यही बात सोचते हैं कि किसी भी तरीके से SC ST OBC को परास्त किया जाए और उन्हें दूर दूर रखा जाए ताकि वहां सत्ता से दूर रहे। और ब्राह्मण धर्म हमेशा बना रहे, यहाँ ब्राह्मणी व्यवस्था का ये जो एक कठोर पहलू है जो उनके पूरे फायदे का है, यहाँ निरंतर चला आ रहा है। हम लोग इन सारी चीजों के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा, ये सारे जो हमारे बीच में के भेद है उनको दूर करना पड़ेगा, हमारी जाति व्यवस्था को हमें तोड़ना पड़ेगा, हमारे मित्रों को जगाना पड़ेगा, हमारे यहाँ की जो स्त्रियां हैं उनको भी इस बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि स्त्रियों को यदि आप जगा देते हैं तो पूरा एक घर तैयार हो जाता है, इसलिए बाबा साहब ने इसी कारण से मनुस्मृति भी जलाई थी कि स्त्रियों को पूरा हक मिले। हमारे भी समाज में हमने इस तरीके से पूरी पहल करनी चाहिए और हम लोगों को कारवा निरंतर बढ़ना चाहिए। यहाँ मैं आशा करता हूँ और हम मैं साथ भी देता हूँ कि भाई यहाँ कारवा बढ़ते जाएगा और हम लोग एक दिन हमारे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। इतना कहकर मैं दो शब्द अपने जो है मुझे जितना टाइम दिया गया था वहां समाप्त करता हूं और फिर मैं आम साहब का और जितने भी हमारे मित्रगण हैं और जितने भी साथी हैं उन लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे यह मौका दिया, उनका मैं धन्यवाद मानता हूं और फिर से कभी मुलाकात करने की अपनी चाह भी रखता हूं। धन्यवाद। जय भीम। जय मूल निवासी। धन्यवाद डॉक्टर विजय मुन साहब, आपने विषय के संदर्भ में इस प्रबोधन सत्र में बात रखी। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं माननीय सुमिता पाटिल मैडम, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली से। वो डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखे। माननीय सुमिता पाटिल मैडम। आज 25 दिसंबर जिस किताब में हमारे महिलाओं को गुलाम बनाया था, उनको वो गुलामी से निकालने के लिए उस किताब को आज डॉक्टर बाबा साहब ने जला दिया था। इसलिए आज महिला दिन है, मैं घोषित करती हूँ और इस हमारे बाबा को और सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ। आज का विषय मैं जाति आधारित जनगणना के विषय पर बोलने वाली हूँ। और दूसरी बात यह है, 92 में मैंने LLB में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर को मेरा सब्जेक्ट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद उसमें जो मैंने कलम देखा और उसमें जो लिखा था बैकवर्ड क्लास, मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं बामसेप में काम नहीं करती थी। व्हाट इज बैकवर्ड क्लास? मुझे लगा बैकवर्ड क्लास मीन्स SC ST, ये मेरे ध्यान में आया। लेकिन बाद में मैं डिस्कस किया पाटिल साहब के साथ, तभी ध्यान में आया कि बैकवर्ड कोई नहीं, बैकवर्ड हम ही हैं OBC। और तभी एहसास हुआ कि मैं बैकवर्ड हूँ तो मुझे अपवर्ड होना चाहिए। ये एहसास दिलाने का काम इस देश में 20 साल से आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं और इस देश के OBC को जगा रहे हैं और इस देश के OBC को जगा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों के मन में डर पैदा हुआ है और ये डर पैदा कैसे हुआ है आज हम देखते हैं। 28 मंत्री बनाए OBC के और 28 मंत्री बनाए जन समर्थन यात्रा। अरे जन समर्थन से तो आए हैं ये मंत्री, वोट दिया ना लोगों ने, वोट दिया तभी ये मंत्री हो गए, खासदार हो गए। तो वो लोगों की जन समर्थन यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? OBC लोगों को दिखाने का, देखो तुम्हारे आदमी को हमने मंत्री बनाया, अभी चुप रहो। OBC में बहुत असंतोष है, इस देश में असंतोष OBC में बहुत है।
उधर हमारे किसान लड़ रहे हैं हक अधिकार के लिए, किसान लड़ रहे हैं। उसके बाद एक देश में ओबीसी का आंदोलन भी उतनी जोर से चालू है। हम लोग ईवीएम के खिलाफ में लड़ रहे हैं, ईवीएम ये हमारा हक अधिकार छीन रही है, ये भी चालू है। और इस तरह से इस देश का ओबीसी असंतुष्ट है। इस देश का ओबीसी नहीं, ओबीसी एससी एसटी ओबीसी इस देश के मूल निवासी असंतुष्ट है। महंगाई बढ़ रही है और इसलिए इस देश में ये जो असंतोष है, इस असंतोष की ये कुकर की सीटी नहीं बजनी चाहिए, सीटी नहीं बजनी चाहिए। इसलिए हवा कम करने का काम ये ओबीसी मंत्रियों ने किया। दूसरा, अभी दूसरा एक असंतोष इस देश में आया है और वो है, वो विकास गवड़ी नाम के आदमी ने 2010 में याचिका की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो पंचायत राज के विरोध में था याचिका थी। तो वो विकास गवड़ी ने, उन्होंने बोला पंचायत राज में जो 3 मुद्दे रखे थे, पंचायत राज जब ही लागू किया तभी एक पंचायत इंदिरा साहनी और 30 ये लोगों ने एक किया था 92 में, और उसमें ये रखा था कि क्रिमिलेयर उन्होंने लगाया ओबीसी को, ओबीसी आगे बढ़ रहा है उनको लगा, ये 92 का है। उसके पहले से ही मेश्राम साहब आंदोलन चला रहे हैं ओबीसी के लिए, और कोई नहीं है माइका लाल इस देश में ओबीसी के लिए इतना काम करे, एक ही माइका लाल पैदा हुआ है इस देश में ओबीसी के लिए। दूसरा एक है दीबा पाटिल करके, महाराष्ट्र में एक थे वो भी ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन मेश्राम साहब ने बहुत ओबीसी लोगों को जगाया है और ओबीसी लोग जागे। परसों में हमारे सरपंच के पास गई, सरपंच ओबीसी है, बीजेपी की सरपंच है, तो मैंने उसको बोला, मेरी बहू ही समझो, ऐसा गांव में तो बहू बोलते हैं छोटे गांव की बहू को, तो हम तो पटेले गांव के। तो उसको बोला देखो इस कुर्सी पर बैठी हो ना, कल ये कुर्सी नहीं रहने वाली है, तुम लोग इस देश के पावर में हैं, हमको अच्छा लगता है कि आप हमारे ओबीसी के कुछ लोग तो पावर में हैं, लेकिन ये पावर भी चला जाने वाला है, क्योंकि अभी वो आरक्षण गया ओबीसी का पॉलिटिकल, वो आरक्षण गया, अभी हम आप लोग नहीं बन सकते, महिला नहीं बन सकते। तभी वो बोली काकू, मुझे काकू बोली, काकू महीना 10,000 देती हूँ, लास्ट ईयर 5,000 दिया था। उसके मन में था मैं बीजेपी में हूँ और ये बामसेप की है, आरएसएस के विरोध में लोग काम करते हैं, तो उसको 5,000 दिया था लास्ट ईयर। ये टाइम बोली नहीं मैं 10,000 का चेक ये टाइम देने वाली हूँ, इमीडिएट चेक साइन करके दिया। ओबीसी में जागृति आ रही है और ये जागृति अभी और लात मारा, क्या बोले किक मारा अभी ओबीसी को, ये विकास गवड़ी के याचिका ने किक मारा। उन्होंने बोला कि ये जो इंदिरा साहनी का जो इसमें बोला था कि इंदिरा साहनी के बाद के कृष्णमूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि पंचायत राज के विरोध में, तो उसने बोला था 73वीं और 74वीं घटना दृश्य योग्य है, एससी एसटी इनको एक टोटल आरक्षण 50% सी देना है, हाँ वो भी उन्होंने रखा था, और एससी एसटी मतदार छोड़ के ओबीसी को जाति आधारित लोकसंख्या विषय उनका डाटा ले लो, ये डाटा का संबंध यहाँ आया। और ये एक विकास गवड़ी का उस केस में निकाल जो आया कि ये डाटा जो थर्ड ये है कि ये डाटा नहीं आया करके अभी इनका आरक्षण बंद कर दो, ये नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये तीसरा जो ये बोला है, तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का ये उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए ये करो। ये इनकी याचिका के ऊपर याचिका है, मंडल आयोग आया 92-94 में याचिका, एकदम वो इंदिरा साहनी ब्राह्मण प्लस 30 लोगों की याचिका, और उसमें क्या किया, ओबीसी ने आरक्षण लिया भी नहीं, मालूम भी नहीं ओबीसी को क्या मंडल आयोग है, किधर कैसा आरक्षण लेने का, क्या करने का, कुछ भी मालूम नहीं ओबीसी, मालूम नहीं, अज्ञान है उसके दिल में, बहुत अज्ञान है,
और ये अज्ञान दूर करने का काम अभी हो रहा है, अभी लोग सहायने हो रहे। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, मेश्राम साहब हमारे 20 साल से काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे को भी काम पे लगाया है, तभी ये जागृति आई। ये जागृति ऐसी वैसी नहीं आई है। तो वो क्रिमिनलर का उन्होंने मुद्दा लिया, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उनके पास पैसा है, वो उच्च शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। गरीब है ना, उनको मिलेगा, क्योंकि वो उच्च शिक्षा देंगे नहीं बच्चों को, ये प्रॉब्लम है। इसलिए क्रिमिनलर दूसरा लाया, टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% मीन्स 52% ओबीसी 1931 में जनगणना की तभी मालूम पड़ा था, उसके बाद उन्होंने जनगणना ही नहीं की, क्योंकि उनको डर है अगर ओबीसी की जनगणना होगी इस देश के हुक्मरान ओबीसी बन जाएंगे, इस देश में एससीएसटी ओबीसी का बड़ा आंदोलन खड़ा होएगा, इन लोगों में जागृति आएगी और इस देश की जो पावर है हमारे हाथ से चली जाएगी, और इसलिए ये दूसरा अट लगाया, रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। तो 52% ओबीसी को कितना मिला? 27% आरक्षण मिला। चंद्रचूड़ नाम का ब्राह्मण था जज, चंद्रचूड़ नाम का ब्राह्मण, ये लोगों की सब मिली जुली भगत है। हम लोगों को एक डिपार्टमेंट में कोई क्लास वन अधिकारी काम करता है, दूसरे डिपार्टमेंट एक दूसरे से रखते ही नहीं ताल्लुकात, रखना चाहिए हर डिपार्टमेंट हर क्षेत्र में एक दूसरे से ताल्लुकात, एक दूसरे से संबंध रखना चाहिए। मेश्राम साहब क्या बोल रहे हैं? संवाद और संपर्क से हमारा हम एक हो जाएंगे, हमारा एकजुट रहेगी, हमारी एक ताकत बनेगी। तो ये 50% आरक्षण उन्होंने लगाई, और ये उसके बाद क्या हो गया, लोगों में जागृति आई, थोड़ा बहुत आरक्षण मिला, हमारा भी आंदोलन चल रहा था, ओबीसी को हम जगा रहे थे, बामसेप की ओर से दूसरी छोटी छोटी ओबीसी संगठनाएं भी काम कर रही थी, जागृति आई ओबीसी में, बहुत सारी जागृति आई। तो नरसिंह राव के मन में आया, अरे अभी तो ये चला जाएगा, वो मुलायम सिंह वगैरह बहुत सारे ओबीसी लोग आए हमारे सांसद में आए, और उनको लगा अभी ये चला जाएगा, पाँव लटकाने लगे। नरसिंह राव ने क्या किया, नरसिंह राव ने 73 और 74वीं घटना दुरुस्त की, और इस घटना दुरुस्त में पंचायत राज लाया, हमारे लोग क्या हो गए, सरपंच बन गए, नगर सेवक, अभी साहब देखो नगर सेवक क्लास वन के सामने भी है, उसको पावर है, लेकिन पंचायत राज में जब लोग सरपंच बनने लगे, जिला परिषद के सभासद सभापति बनने लगे, हमारे लोग बहुत सारे ये छोटा स्ट्रक्चर जो है पंचायत राज में उसमें आए, नेता बने, छोटे छोटे नेता बने, और उनको लगा बाप रे हम लोग कितने, हमारी बहुत उत्कर्ष हो गया, ऐसा ओबीसी को लगने लगा। उसी वक्त 94 में के कृष्णमूर्ति नाम के ब्राह्मण ने याचिका के ऊपर ओबीसी को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, पहले से ही उन्होंने तजवीज करके रखी थी, ये बनाया ही रखा था, ये पर्पजली करते हैं इस तरह से। कृष्णमूर्ति में सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें उन्होंने बोला कि उसका 2010 में उसका निकाल आया, उसमें 3 पॉइंट है, 73-74वीं घटना दुरुस्ती योग्य है, SC ST इनको आरक्षण टोटल 50% की मर्यादा, और SC ST मतदार संघ छोड़ के ओबीसी की गिनती करो, ओबीसी का बैकवर्डनेस बताओ और ओबीसी की गिनती करो, ये पॉइंट था। 2011 में उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डाटा बनाया, क्या जरूरत थी, सोशियो इकोनॉमिक डाटा 230 करोड़ रुपया खर्चा किया, जनगणना करनी थी ना, जनगणना करने का नाम नहीं सोशियो इकोनॉमिक डाटा बनाया, ये सब पॉइंट है। उनको हमारी जनगणना नहीं करने की है, उनको क्या करना है, हमसे सब हमको खाली क्या बोलते हैं, श्रम करने वाला समाज है, 12 बलूतेदार श्रम करने वाले लोग, कपड़ा बनाओ ब्राह्मण का, ब्राह्मण को खेती बनाओ ब्राह्मण को, खिलाओ गाय भैंस का दूध निकालो ब्राह्मण को, तूप दे दो
गाइस और खेती में अच्छा तरह से फल निकालो, ब्राह्मण को दे दो, देते हैं ना पूजा में, हाँ अभी भी चालू है लक्ष्मी व्रत। तो ये सब इतना हमारी सेवा करने वाला समाज अगर पावर स्ट्रक्चर में जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इनको मालूम है इमीडिएट याचिका के ऊपर वो विकास गवड़ी का याचिका आया। इस तरह से इस देश में सत्ताधारी ब्राह्मण डर गया है। वो चाहता है कौन से भी हालत में इस देश के ओबीसी की प्रगति नहीं होनी चाहिए। केवल ओबीसी के नहीं, SC ST इनसे धर्म परिवर्तित मूल निवासी की प्रगति नहीं होनी चाहिए। मूल निवासी की प्रगति अगर होएगी तो ब्राह्मण को भारी पड़ेगा, ये उनको मालूम है। और ये सब ये करने के लिए ये सब पंचायत राज वगैरह इसकी वजह से लोगों में बहुत सारा ये हो गया, उनके मन में अच्छा भाव पैदा हो गया, उनको एहसास हुआ कि हम भी कुछ बन सकते हैं। अरे आज सरपंच है, कल PM भी बन सकता है ना, ये इच्छा उत्पन्न हुई ओबीसी के मन में। और इमीडिएट विकास गवड़ी का ये निकाला और बोला तुम अभी सरपंच भी नहीं बन सकते, नगर सेवक भी बन नहीं सकते, जिला परिषद का सभासद भी। तो ये सब प्रॉब्लम इस देश में चालू है और हमारी कौन जनगणना नहीं करनी है। जनगणना करने से ओबीसी को उनके हक अधिकार मिलेंगे और उनके क्या रियल रिप्रेजेंटेटिव उनके जाएंगे और हमें रिप्रेजेंटेशन देने का ही नहीं। उन्हें तुम ले लो उधार ले लो, हमसे उधार ले लो, हमको मिलने वाला है इस साल में ये मिलने वाला है, तो अभी थोड़ा उधार ले लो। इस तरह से इस देश में चालू है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि हम एम्पिरिकल डाटा को विरोध करेंगे। एम्पिरिकल डाटा हमें नहीं चाहिए, हमें जनगणना ही चाहिए। जो मेश्राम साहब आंदोलन कर रहे हैं इस देश के SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित मूल निवासी, इनको सबको इकट्ठा हमको करना होगा। हम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर हम लोग हो रहे हैं और ये जन आंदोलन, देशव्यापी जन आंदोलन हमें खड़ा करना है। ये जन आंदोलन जब ही होएगा तभी इस देश से ब्राह्मण चला ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इस विश्वास के साथ मेरा दो शब्द खत्म करती हूँ। जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद माननीय सुमिता पाटिल मैडम। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं माननीय निशा मेश्राम मैडम, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। डायस पर आए और इस विषय के संदर्भ में अपनी बात रखे माननीय निशा मैडम। धन्यवाद संचालक महोदय। बामसेव एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 38वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल पुणे में होने जा रहा है। आयोजकों को एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे मंच दिया। सभी मूल निवासियों को मेरा जय मूल निवासी साथियों। खाना ठीक से खाया नहीं लगता है, आवाज़ नहीं निकली, विषय काफ़ी सारे हैं, फिर भी एक बार बोल दीजिए, बोल 85। धन्यवाद। मैं यहाँ पर तीन विषय दिए हैं, उसमें से मैं एक विषय पर मैं अपनी बात रखूँगी। अगर राज श्री छत्रपति शाहू महाराज 1932 में जिंदा रहते तो क्या गांधी द्वारा पूना करार थोपना संभव होता, अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राज श्री छत्रपति शाहू महाराज जी के विरासत चला रहे थे, एक गंभीर मंथन। ये विषय बहुत ही हार्ड विषय है और ये तो इतिहासकार वामन मेश्राम साहब और विलास खराज जी ही इस पे ज़्यादा विस्तृत में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा अपना, मुझे बोलने के लिए कहा गया है तो मैं बोलूँगी जरूर से।
और हमें जब तक हमें अपने इतिहास की जब सबसे पहले तो जानकारी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे, वो कौम जो अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। हमें भविष्य निर्माण करने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। भविष्य निर्माण करना है, इसीलिए लोग कहते हैं मैडम आप लोग बामसेफ वाले जब भी होते हो तब गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, गड़े मुर्दे उखाड़ते हो। हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, हम अपने इतिहास को खोद रहे हैं, उसको जांच रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने हाइड किया और उसको हाइड किया इसीलिए हम लोग बामसेफ वाले हाईलाइट कर रहे हैं, और हाईलाइट करते ही आप लोगों का नंगा नाच हमको मालूम पड़ जाता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ इतिहास में धोखा किया था, इतिहास में धोखा किया था। और ये विषय भी इतिहास है, इतिहास में अगर छत्रपति साहू जी महाराज जिंदा होते तो अभी छत्रपति साहू जी महाराज और आज का सब्जेक्ट जिंदा होते तो छत्रपति साहू जी महाराज का मृत्यु 6 मई 1921 में हुआ और पुना पैक्ट लागू हुआ 24 सितंबर 1932 को, मतलब 11 साल बीत गए पुना पैक्ट के अंदर। इतिहास की बात कर रहे हैं, 11 साल लग गए थे और आज हम इस सब्जेक्ट को कह रहे हैं कि जिंदा होते तो 11 साल बीत गए थे और बाद में पुना पैक्ट लागू हुआ। छत्रपति साहू जी महाराज जिंदा होते तो पुना पैक्ट लागू ही नहीं होता, ऐसा हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज की पुना पैक्ट के साथ में बहुत ही गहरी साजिश है। छत्रपति साहू जी महाराज का नेचुरली डेथ नहीं हुआ था, उनकी हत्या हुई थी। क्यों? क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज कॉम्युनल अवार्ड का समर्थन कर रहे थे। कॉम्युनल अवार्ड का मतलब है कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम ब्राह्मणी व्यवस्था के हिस्सा नहीं है, और वही काम बाबा साहब अंबेडकर के को करवा रहे थे। पीछे रहकर बाबा साहब अंबेडकर के वो करवा रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का काम कौन करवा रहे थे? छत्रपति साहू जी महाराज। और छत्रपति साहू जी महाराज एक राजा थे और राजा होने के साथ साथ वो छत्रपति शिवाजी महाराज के भी वारिस थे। छत्रपति साहू जी महाराज शिवाजी के वारिस थे और शिवाजी के साथ में भी इतिहास में ब्राह्मणों ने धोखा किया है, हम सब जानते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये बात बहुत गहरी है, समझने की बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लग क्यों रहा है आज कि आज के मराठा जो लोग हैं मुझे उन लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा? एक ब्राह्मण या एक ब्राह्मणों का बदला लिया, ब्राह्मण जो है आज उनको बदला ले रहे हैं। शिवाजी महाराज के साथ में जो धोखा किया था आज मराठाओं के साथ में भी ब्राह्मण लोग बदला ले रहे हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध में शिवाजी महाराज का उन लोगों ने तिलक करवाया था, राजा बने थे, और शिवाजी महाराज का जो शासन था वैसा ही छत्रपति साहू जी महाराज भी अपना शासन करना चाहते थे। छत्रपति साहू जी महाराज एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी और नॉमिनिक टाइप के लोग जो जितने भी थे उन सभी को कॉम्युनल अवार्ड देना चाहते थे। अगर छत्रपति साहू जी महाराज जिंदा होते तो बनिया और ओबीसी के बीच में झगड़ा होता। गांधी जी बनिया थे और बनिया और छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? ओबीसी थे। छत्रपति साहू जी महाराज और ओबीसी के साथ में झगड़ा होता और छत्रपति जी जिंदा होते तो गांधी जी को वो बैठने ही नहीं देते, अनशन करते तो उनको मरने देते कि मर जा।
इसीलिए ब्राह्मणों ने उनको षड्यंत्र करके उनकी हत्या कर दी। और बाबा साहब अम्बेडकर गांधी के साथ में बहुत लड़ झगड़ कर उनका दिल नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके अपने मन को मजबूत करके उन्होंने आंसू गहरे मतलब बहुत ही आंसू के दुख के साथ उन्होंने सिग्नेचर किया था पूना पैक्ट के ऊपर। और पूना पैक्ट के आज दुष्परिणाम देख लीजिए कितना भयानक हो रहे हैं। जिसे हम चुनना चाहते हैं उसे चुन नहीं सकते, पूना पैक्ट का जो परिणाम हुए, जिसे हम चुनना चाहते हैं उसे चुन नहीं सकते, और जिसको चुनते नहीं है वो चुनकर आता है, और चुनकर आने के बाद वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा क्या? नहीं करेगा। आज का जो भी है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जो भी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है संसद में जाकर विधानसभा में बैठकर, वो दलाल और भड़वे हैं, वो पुनः पेट की औलादे हैं। समाज के अंदर हमको कहते हैं जब चुनाव आता है तो ये दलाल और भड़वे आ जाते हैं, और आने के बाद वोट मांगते हैं, हमें ओबीसी का हूँ, गरीब हूँ, चाय बेचने वाला हूँ कह कर हमको बेवकूफ बनाकर हमारा वोट लेकर जाते हैं, और वोट लेने के बाद प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति तक बन जाते हैं, लेकिन हमारे एससी एसटी ओबीसी की जो भी समस्या है उसका कोई भी हल होता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साधु ने अल्टीमेट दिया कि 2 अक्टूबर 2021 तक अगर ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करोगे तो मैं जल समाधि लूंगा। अरे तू अकेला क्यों जल समाधि ले रहा है, पूरे के पूरे आरएसएस के सभी लोग जल समाधि ले लो, लेकिन हम लोग हिंदू राष्ट्र होने देने वाले नहीं है। तुम्हारे पुरखे भी आए तो भी नहीं, और आने वाली पीढ़ी भी चाहेगी तो भी हिंदू राष्ट्र बनने देने वाले नहीं है। एक साधु कह रहा है कि मैं समाधि लूंगा, भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी एक भी बार सोचता नहीं है कि इतनी बात बड़ी बात कह रहा है, इसको मैं जेल में डाल दूं। उसको जेल में डाल देना चाहिए ना, लेकिन वो जेल में नहीं डालता है। 4-5 ब्राह्मण के लौंडे लफाड़े दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की पतिया जला देते हैं, कुछ टीवी वाले मीडिया वाले 2400 घंटे दिखाते हैं कि जला दिया संविधान, जला दिया, लेकिन राष्ट्रपति और हमारा प्रधानमंत्री उसके शरीर के रोंगटे तक हिलते नहीं है कि उनको उसको पकड़ा जाए, उसको जेल में डाला जाए, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, नहीं करते हैं कोई काम। ओबीसी के नाम पर आते हैं, ओबीसी का वोट लेकर प्रधानमंत्री बन गया है, लेकिन जब ऐसा काम होता है तब चुपचाप दलाल भड़वे की तरह बैठ जाता है। ये पूना पैक्ट की औलादे हैं ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति अगर अपनी गरिमा में नहीं रहेगा तो ऐसा बोलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी जिला हो या राज्य हो, उसकी महिला सुरक्षित नहीं है। पहले तो बलात्कार होते थे, अभी सामूहिक बलात्कार हो रहा है। सामूहिक बलात्कार होने के बाद उस लड़की के साथ में रेप करने के बाद उस लड़की की जीभ भी काट देते, कमर भी तोड़ देते हैं, बहुत ही घटना खतरनाक है। और ब्राह्मण क्या कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्राह्मण कहते हैं हम अछूतों की लड़कियों के साथ में, ओबीसी की लड़कियों के साथ में बलात्कार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उनको छूते भी नहीं है। भंवरी का केस हुआ था ना कि वो अछूत है, ओबीसी की है, इसलिए हम उसको छू भी नहीं सकते, उसके साथ बलात्कार कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि रुपया जो धन होता है धन, अनाज होता है अनाज, और औरत, इसकी कभी भी परहेज नहीं करनी चाहिए। ये ब्राह्मण लोगों के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पैसा होगा लाओ, अनाज होगा लाओ, महिला है लाओ, ये लोगों के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे भोला भोला समाज इनके धर्म ग्रंथ पढ़ता है और बेवकूफ बनता रहता है। हमारे महापुरुषों ने कहा हुआ है कि पढ़ो,
जो मैं लिख के गया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं जो लिख के गया हूँ वो उसको पढ़ो, लेकिन हमारे लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं तो हमारी महिलाएं क्या पढ़ती है, गायत्री मंत्र पढ़ती है, उनके वेद पुराण पढ़ते हैं, लेकिन हमें उनके वेद पुराण पढ़ने नहीं है, उसको लात मारना है। आज मनुस्मृति का दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 पे मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन हम लोग आज उनके धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़कर बेवकूफ बन रहे हैं। ये तो सब्जेक्ट के विरोध हो गया थोड़ा सा। ये पुना पैक के जो दलाल भड़वे हैं, सिर्फ पुरुष ही नहीं है, पुरुष ही दलाल और भड़वे बने ऐसा नहीं है, लेकिन संसद में बैठी हुई महिलाएं भी हैं। जिसको इस मन से अगर दलाल भड़वे कहेंगे तो गलत हो जाएगा, गाली हो जाएगी। इसीलिए मैं महिला का सम्मान, एक महिला होने के नाते एक महिलाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन संसद में बैठी हुई हेमा, जया, भादुरी, रेखा, किरण खेर, अनुप्रिया पटेल, आनंदीबेन पटेल, मायावती, कभी भी किसी भी महिला के साथ में बलात्कार होता है तो एक आवाज तक उठाती नहीं है। मायावती, बहन मायावती, अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है चुनाव, तो चुनाव के वक्त बहन मायावती क्या कर रही है, ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रही है। काशीराम ने पूना पैक्ट का अधिकार किया था, लेकिन बहन मायावती काशीराम के बदले में क्या कर रही है, ब्राह्मणों के खेमे में बैठ गई है, ब्राह्मणों के साथ में एक मंच पे बैठ गई है। चलो एक मंच पे बैठी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में जो जहर घोल रहे हैं वो भी वो पी रही है, और हमारे समाज का सत्यानाश कर रही है। ये पुना पेट के कारण हुआ है। हमें ऐसे दलाल और भड़ुओं से बचना होगा। समय आने पर हमारी महिलाओं को राजनीति में दखल देना होगा। हमारे महापुरुषों ने जो काम अधूरा छोड़ा है, वामन मेश्राम जी वो काम पूरा कर रहे हैं, उस काम को हमको उनके कदमों से कदम मिलाकर हमको पूरा करना होगा। बहनों और भाई, हमारे महापुरुषों ने बात बात पे कहा, समय समय पर कहा कि जाओ अपने घर के दीवारों पे लिख दो हमें शासन करती जमात बनना है, लेकिन हम लोग जमात बनने के बदले हम लोग भीड़ बन गए। भीड़ के साथ साथ वो भेड़ बकरी की तरह चल रहे हैं, और अपनी हमारी प्यारी भोली भाली महिलाएं क्या कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर के दीवारों पे लिख दो हमें शासन करती जमात बनना है, तो हमारी प्यारी बहनों ने, भोली बहनों ने घर की दीवारों पे लिख दिया लाभ शुभ। शुभ लाभ लिखने से कोई शुभ लाभ लाभ होने वाला नहीं है, होगा भी नहीं। इसीलिए समय पर हमारी महिलाओं को जागरूक होना होगा। जिस देश की महिला जागरूक होगी उस वो देश जागरूक हो जाएगा। अगर महिला गुलाम रही तो देश गुलाम रहेगा। आजाद महिला आजाद बच्चे पैदा करती है, तो हमारी महिलाओं को भी आजाद होकर हमें समय समय पर मेश्राम साहब का साथ और सहयोग देना होगा। भाइयों तथा बहनों, मैंने इतनी ही तैयारी किया था, और ज़्यादा मेश्राम साहब ही इस सब्जेक्ट पे बोलेंगे, लेकिन ये चुनाव अभी जो आ रहा है उस चुनाव के मद्देनज़र सभी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, हमें मेश्राम साहब को साथ और सहयोग देना होगा, और चुनाव में हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, और बेवकूफ़ नहीं बनकर एक साड़ी और चिकन में अपने आप को नहीं बेचना है। अगर चिकन खाकर एक दिन चिकन की बोटी खाओगी और 5 तक तुमको ये दरिंदे लोग नोच नोच कर खाएंगे। आप लोगों को मैं सावधान कर रही हूँ, और आने वाले समय पर एक वोट और एक नोट, काशीराम जी ने कहा था एक वोट एक नोट, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। मैं निशा मेश्राम 1 वोट 10 का नोट मांग रही हूँ, और आने वाले समय पर आप लोग 1 वोट और 10 का नोट भी दोगे, वोट भी दोगे और समर्थन भी दोगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद निशा मिश्रा मैडम, आपने महिलाओं के इस आंदोलन के सहभाग के बारे में बात रखी। वक्ता के अगले कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय सुरेश दादा पाटिल साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, डायस पर आए और अपनी विषय के संदर्भ में बात रखे। माननीय सुरेश दादा पाटिल साहब,
मंच पर बैठे सब आदरणीय साथियों और हमारे सामने बैठे सब कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों, आज बामसेप का ये बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त अधिवेशन का आज उद्घाटन का इनॉग्रेशन का दिन है और आज के ये अधिवेशन वर्चुअल हो रहा है और कुछ साथी यहाँ भी है। तो महामारी के वजह से जो हजारों लाखों लोग पेंडाल में रहते थे तो दो साल से हम नहीं कर सके, लेकिन हजारों और लाखों लोग हमारे सामने है नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट पूरे दुनिया में प्रसारित होता है, तो करोड़ों लोग ये अधिवेशन सुन रहे हैं और ये करोड़ों लोगों का ये अधिवेशन जो है, ये अधिवेशन में आज का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये देश की 60% या 65% जो ओबीसी लोग हैं उनकी समस्या पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये हमारे जो ओबीसी लोग हैं, ये देश में जो व्यवस्था है, जो गुलामी की व्यवस्था है, ये गुलामी की व्यवस्था बरकरार करने के लिए जिस लोग का हाथ लगा है, ब्राह्मणों का, ब्राह्मणवादियों का राज चलाने के लिए बिना पगार बिना वेतन काम करने वाले ओबीसी लोग जो है, इनके बलबूते पे ये देश में डिस्क्रिमिनेशन का, वर्णवाद का ये राज चल रहा है। उनको जागरूक करने के लिए आज का ये सब्जेक्ट रखा है। साथियों, कम से बहुत से सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट पे मेरे पहले वक्ता ने बहुत अभ्यासपूर्ण और बात रखी है, लेकिन साथियों के पहली बात यह है कि ये पूना करार की बात है। आप पूना में से ही मैं बोल रहा हूँ, पूना करार की जो बात है वो पूना करार केवल एससी और एसटी के लिए पूना करार किया गया था, ऐसी समझ ओबीसी में है, ऐसी समझ हमारे मुस्लिम और माइनॉरिटी के भाइयों में है, जो क्रिश्चियन भी होंगे सिख भी होंगे। तो पूना करार ये देश के मूल निवासी बहुजन जो माइनॉरिटी में है, जो ओबीसी है, एससी है और एसटी, सब लोगों को पूना करार लागू किया है। ब्राह्मणों ने बड़ी सोच के साथ ये पूना करार का पुनः करार करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूर किया। लेकिन एक बात है, पुनः करार होने के बाद तुरंत बाबा साहब ने कहा ये पुनः करार हमें गुलामी में डालने में का करार है, इसलिए पुनः करार का मैं निषेध करता हूँ। यानी खुद बाबा साहब ने ये पुनः करार का निषेध किया है और ये पुनः करार में हमारे लोगों को गुलाम बनाया है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो लोक प्रतिनिधि है, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे समाज में पैदा हुए, हमारे जाति में पैदा हुए, लेकिन हमारे जाति में पैदा हुए लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी सेवा समाज के लिए नहीं होती है। उनकी सेवा, उनकी उनकी ईमानदारी है वो टिकट देने वाले के पास रहती है और टिकट देने वाले जो पार्टी है वो सभी पार्टी के नेता ब्राह्मणवादी या उच्च वर्णीय है। तो उच्च वर्णीय का आदेश, उच्च वर्णीय का
जो विचारधारा है, उच्च वर्णीय ने जो जो फरमान निकाले, कानून निकाले हैं, वो कानून की अमल हमारे समाज में होने के लिए उनके एजेंट के तौर पर, उनके दलाल के तौर पर हमारे लोक प्रतिनिधि कहलाने वाले लोग शासन करती जमात के दलाल है, शासन करती जमात के एजेंट है। तो साथियों, इसलिए मैं बहुत से MLA MP उनके लोक प्रतिनिधि अभी है जो अब पहले थे अभी नहीं है, सबके साथ बात किया, और ज़्यादा करके जो अभी सब्जेक्ट निकाला जनगणना OBC की नहीं होती, उसके ऊपर तुम बात क्यों नहीं करते? तो वो बोले हम बात करने को तैयार है, आपकी बात तो हम मानते हैं, आपको जो तकलीफ है हमारे को भी तकलीफ है, महंगाई पेट्रोल जो है वो तुम्हारे गाड़ी में महंगा है और मेरे गाड़ी में सस्ता नहीं पड़ता है, लेकिन हम बात इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर हम बात उठाएंगे तो अगले टाइम हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो हम MP नहीं बनेंगे या हम MLA नहीं बनेंगे। तो साथियों, ये शासन करते लोगों का के गुलाम है। तो इसे एक अभी मैं किस्सा बता रहा हूँ, मैं मेरे बहुत करीबी एक MP है, अभी मंत्री भी बना है, उसके साथ बात करते करते कुछ लोग का मैं कुछ लोग लेके गया था उनके साथ, तो उधर बात निकाली OBC की जनगणना नहीं होती है, OBC की ये समस्या है, तो किसानों की समस्या है, बहुत सी समस्या है, ज़्यादा करके अभी OBC की जनगणना के बारे में पूछा, आप मोदी जी को क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने बोला हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम OBC के कुछ लोग का एक शिष्टमंडल लेके हम मोदी जी के पास गए, प्राइम मिनिस्टर ने हमें टाइम दिया, और उधर हम OBC की समस्या के लिए आया हूँ ऐसा मोदी जी को बोला। मोदी जी सब जानते हैं OBC पे हमने अन्याय क्या किया है, तो मोदी जी ने बोला अरे OBC की समस्या तुम मेरे सामने क्यों रखते हो, खुद मैं देश का प्राइम मिनिस्टर OBC हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ तो और समस्या OBC की क्या हो सकता है, OBC को प्राइम मिनिस्टर मिला है उससे ज़्यादा क्या मांगते हैं। यानी एक आदमी को वो मिनिस्टर बनाया, OBC की समस्या समाप्त हो गई। हम ऐसा बोला मैं खुद ही OBC प्राइम मिनिस्टर हूँ तो उसके सामने अभी क्या ज़्यादा बात करेंगे। हम जो बातें करके कागज लेके अर्जी लेके गए थे सब जेब में बैग में रख दिया और कुछ नहीं बोले, चाय पी के वापस आए। यानी जो बात रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर का टाइम लिया था वो बात भी नहीं रखे। तो इस तरह से साथियों, ये जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग भी जिनको जो चमचेगिरी करते हैं टिकट के लिए, और वो उनको तुम खाओ पियो बहुत मजा करो लेकिन समाज की बात नहीं करो, तो माइनॉरिटी के लोगों को भी उनका रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है कि जो वो टिकट देंगे वो ही हम MLA होंगे, और हम भी क्या करते हैं हमारे जो कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको ज़्यादा हम सम्मान नहीं देते। हाँ, ये सरपंच जी आया, ये MLA आया तो उसको पहली जाए, सामाजिक मीटिंग में भी ये पॉलिटिकल दलालों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो साथियों, इस तरह से ये जो हमारे लोग हैं वो खुद बोलते हैं हम समाज की बात रखेंगे तो हमें टिकट नहीं मिलने वाला है, टिकट नहीं मिल रहा तो हम MLA नहीं बनेंगे MP नहीं बनेंगे, और MP MLA या कुछ सरकारी पौधे पे नहीं रहेंगे तो आप भी हमको सम्मान नहीं देंगे। तो साथियों, इसका इलाज यही है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो कर्मठ कार्यकर्ता जैसा बामसेप में उसको प्रोत्साहन मिलता है, इस तरह से प्रोत्साहन समाज में जागरूक
समाज के लिए काम करने वाले को हमने देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये भी अभी तो यही बात में है कि ये केवल नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने मुख्यमंत्री भी होता है तो उसको अधिकार नहीं होता है। साथियों, आज की बात नहीं है, ये बात पहले से आई है। जब 1919 में फर्स्ट इंडियन एक्ट निकाला तो बाबा साहब को नॉमिनेटेड प्रतिनिधित्व दिया, पानी उतर का नॉमिनेटेड प्रतिनिधित्व, बाबा साहब को बिना चुनाव से गवर्नमेंट काउंसिल पे प्रतिनिधि किया, लेकिन बाबा साहब को ये बात राज नहीं आई, हम हमारे समाज से चुन के जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने और भास्कर राव जाधव करके जो कोल्हापुर के एक मिनिस्टर थे, बहुत बड़े होशियार आदमी थे, ओबीसी आदमी थे, तो उन्होंने ये बात रखी तो तिलक के ध्यान में ये बात आ गई कि अगर ये ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारा राज नहीं रहेगा। इसलिए उसने ये भी बात सोची कि बाबा साहब के पीछे छत्रपति शाहू जी महाराज है। तो आज हमारा सब्जेक्ट है शाहू जी महाराज होते तो क्या पुनः प्याक होता? आज शाहू जी महाराज थे तब इन्होंने मांग की कि हमें रियल रिप्रेजेंटेशन, हमें समाज से प्रतिनिधित्व चाहिए, और ये प्रतिनिधित्व रखने के लिए उन्होंने मांग की, साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने ये बात रखी, और उससे ये मांग रखने के वजह से ही साइमन कमीशन भारत में आ गया। तो ये बात रखी तो तिलक ने साथियों, तो तिलक जी ने ये किया। पंढरपुर की मैं बात, यहाँ नजदीक है तो पंढरपुर में तिलक ने एक भाषण किया और भाषण में कहा कि पार्लियामेंट में जाने वाले लोग पढ़े लिखे विद्वान होना चाहिए, और ये देश का इतिहास कहता है ब्राह्मण मंडली ही विद्वान होती है, तो विद्वान लोगों को उधर भेजना चाहिए। तो वहाँ हमारे गाड़गे महाराज गए थे, वो सुन रहे थे, तो किसी ने बोला कि गाड़गे महाराज मीटिंग में आए, तो गाड़गे महाराज को उधर बुलाया गया। तो गाड़गे महाराज को तिलक से सामने बाजू में रखे, और तिलक का भाषण होने के बाद गाड़गे महाराज ने को दो शब्द बोलने को लगाया। तो गाड़गे महाराज ने कहा कि तिलक महाराज, अभी मेरे बात ध्यान में है, मैं तो कपड़ा धोने वाला परीट हूँ, तो मेरा काम आपके कपड़े धोना, तो मैं कीर्तन करता हूँ, समाज को जागरूक करता हूँ, समाज को अच्छी बात बताता हूँ, तो ये काम तो मेरा नहीं, मेरा काम तो कपड़े धोने का है, तो मैंने, मेरी बहुत गलती हो गई कि मैं कीर्तन प्रवचन समाज को जागरूक करने का काम करता हूँ, तो ये काम करना नहीं चाहिए था। तो तिलक महाराज, हम पे एक उपकार करो, आपके पास एक रिक्वेस्ट है, विनंती है, एक बात करो कि अभी हमारा तो जो धोबी है तो वो ये तो हम ये काम आपका कपड़े धोना है, लेकिन कीर्तन प्रवचन ये गलती है, लेकिन ये माफ़ी करो, और एक बात करो, हमको भी ब्राह्मण बनाओ, क्योंकि ब्राह्मण ही पार्लियामेंट में जा सकते हैं। इस तरह से ये देश का हर टाइम में ये आरक्षण, हमारे समाज को अधिकार की बात जब जब आती है तब तब विरोध होता है। दो मिनट में मैं एक उस सब्जेक्ट पे आता हूँ। साथियों, अभी जो पंचायत राज है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, और पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो शासनकति ब्राह्मणवादी लोग विचार के हैं, तो उनका विचार समाज में जाना चाहिए, और ग्राम पंचायत लेवल पे भी उनका कार्यकर्ता होना, उनके कार्यकर्ता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने नरसिंह राव के कारकिर्द में
बहुत से ओबीसी लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग खुद की पार्टी बनाने लगे और शासनकर्ता करने की सोच करने लगे और बहुत सी पार्टी बनने लगी। लालू की पार्टी, मुलायम की पार्टी, ऐसी बहुत सी पार्टियां बनने लगी। तो ब्राह्मण के दिमाग में ये बात आ गई कि हमारे एक पार्टी नीचे तलक, गांव गांव तलक जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने 73 राजीव गांधी ने किया और 72 और 73 घटना दुरुस्ती में पंचायत राज में पॉलिटिकल पार्टी और आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को लाया। लेकिन ये काम नरसिंह राव ने 1994 में किया। तो ये बात, आरक्षण दिया भी लेकिन देना भी नहीं चाहते हैं, दो बातें। एक, आरक्षण दिया हमारे लोगों को पंचायत राज में और आरक्षण देना नहीं चाहते, इसलिए उनको एक पिट्टू लगाया, जो आपने बताया क्या नाम उसका, किशन गवली। उन्होंने 2010 में रिजल्ट आया, 1994 में आरक्षण दिया 73 के घटना दुरुस्ती से, और उसी टाइम में उन्होंने ये ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ, गवली ने कोर्ट में गया और वो जाने के बाद 2010 में रिजल्ट आया। लेकिन 2010 में ओबीसी की बहुत सी पार्टियां, बहुत लड़े लीडर और ओबीसी की बहुत सी जागृति आई थी, इसलिए शासन करती जमात डर गई कि वो टाइम में नहीं। बाद में 10-4 साल उन्होंने ओबीसी की लीडरशिप का खात्मा करने का काम किया और खात्मा करके लालू को जेल में डाला। ऐसे ऐसे बहुत से नाम नहीं लेते क्योंकि मेरे पास 2 मिनट या 3 मिनट है, इसलिए ओबीसी के बिहार की गवर्नर लालू को जेल में डाला, मुलायम की तबीयत खराब हो गई। इस तरह से ओबीसी लोगों का जो पावर में जो थे उनको ढीले कर दिए, उनको कमजोर कर दिए। और 14 साल में जब मोदी आया, उन्होंने तो उनके सबके पाँव तोड़ डाले और ओबीसी की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में ये निकाल आया और उनका तुम्हारा यह कितना क्या है। लेकिन मैं खुद मेश्राम साहब के आदेश से देश के पूरे ओबीसी लोगों का शिष्टमंडल 2001 में लेके, मैं दीबा पाटिल साहब के नेतृत्व में, सब लोग थे, साहब बामसेब के तरफ से मैं गया था। तो वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जो होम मिनिस्टर है, उसने सीधा कह दिया कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे। बाकी के लोग चुप रह गए, लेकिन साहब को कोई अगर कोई विरोध करता है तो साहब सांप के जैसा फना कहते हैं और उछलते हैं। और पूरे देश में ओबीसी को जागृत करने का कार्यक्रम लिया और ये जागृत करने का कार्यक्रम आज भी कर रहे हैं। और गांव गांव में बोर्ड लगे हैं कि अगर ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो हमारे गांव में जनगणना करने को नहीं आओ। इस तरह से लोगों को जागृत किया है और आज भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि ओबीसी की ये जनगणना करे। तो साथियों, इस तरह से हमने ये जो कार्यक्रम लिया ओबीसी की जनगणना करने के लिए, वो गए थे उस तब से कोई, अब बहुत से पीछे पीछे हमारे आ रहे, काम कर रहे। साथियों, जैसा मैं बोला कि 94 में ओबीसी को आरक्षण दिया, 94 ही कोर्ट में गया, बाद में कोर्ट का रिजल्ट आया तो अभी उसके लिए एक ऑर्डिनेंस निकाला के कृष्णमूर्ति करके, उसने उसने फिर कोर्ट में गया, फिर आ गया। और इस तरह से विरोध जब देते हैं तब कानून बनाते वक्त ही वो कानून का अमल ना हो, इसलिए शासन करती जमात करते। मैं पुरातन में एक जा रहा हूँ, एक है 2000 हटन साहब जो 2000 मेरे ख्याल से 17 में या 1917 में उन्होंने 1973 में उन्होंने जनगणना करने का लिया, कमिश्नर ब्रिटिश था और वो जनगणना शुरू किया। तो उन्होंने 73 में जनगणना हुआ, ब्राह्मण के ध्यान में आया साला हम कमती संख्या में है,
2001 में हटन को भी विरोध किया है। हटन ने एक किताब लिखा है सर, उसमें लिखा है कि जनगणना ना हो इसलिए यहाँ की जो शासन करती जमात है ब्राह्मण मंडल जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बाबा साहब ने कहा है क्रांति और प्रतिक्रांति, जब जब क्रांति करता है ब्राह्मण सोता नहीं है, जागृत रहता और प्रतिक्रांति की बात सोचता है। इसलिए ओबीसी को अधिकार नहीं देने का, ओबीसी को की जनगणना नहीं करने की, ओबीसी को जागृति नहीं करने का। और अब भी ओबीसी को मैडम ने कहा, मैंने खुद देखा है, वो जो मिनिस्टर बनाए 28 मिनिस्टर ओबीसी के बनाए, तो गांव में अगर शादी होते तो बारात निकलती है, इस तरह से वो सबको आदेश दिया तुम्हारे मतदार संघ में घूमो और घूम के बताओ ओबीसी को बाकी क्या मांग कर रहे हैं, जनगणना की क्या मांग कर रहे, देखो तुम्हारे लिए मैं हमने मिनिस्टर बनाया। और वो मिनिस्टर इतने थक गए थे, हार लेने की भी उनमें ताकत नहीं, वो गाड़ी में जीप में बैठे थे उधर भी सोते थे, इस तरह से उनकी बारात निकाली और हमारे समाज को ओबीसी को बताते देखो तुम्हारा हमने मिनिस्टर बनाए। अरे मिनिस्टर बनाए लेकिन वो मिनिस्टर हमारा प्रतिनिधि है, तुम्हारे नॉमिनेटेड है, और इस तरह से ये भी समाज का अपमान है। तो हमारे लोगों को ये अपमान समझ में आए, इसलिए साथियों ये जो निरंतर कार्यक्रम एक देश में कभी भी आंदोलन होता है तो आंदोलन के लिए जैसे कर्मठ कार्यकर्ता की जरूरत होती है, जैसे संगठन की जरूरत होती है, इस फिर भी संगठन बनाना, कार्यक्रम बनाना, आंदोलन करने के लिए नेतृत्व की जरूरत थी। बाबा साहब लायक नेतृत्व थे, देश की संविधान बनाने का उनको अधिकार मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज लायक नेता थे, ये देश में आजादी का एक स्वतंत्र राज्य निर्माण किया। आज मेश्राम साहब एक अलौकिक नेतृत्व हमें मिला है, जो दिन रात काम कर रहा है, दिन रात सोचता है, दिन रात प्रोग्राम देते हैं, नए नए प्रोग्राम, नए नए नेतृत्व हमारे समाज से निर्माण करने का काम कर रहे हैं। ये घड़ी है कि आपके जैसे लाखों करोड़ों पढ़े लिखे कर्मठ कार्यकर्ता हमारे संगठन में है, और आप मेश्राम साहब के जैसा अलौकिक नेतृत्व हमारे लिए है, तो अभी ही क्रांति हो सकती है। इसलिए अलौकिक नेतृत्व और आपके जैसे कर्मठ कार्यकर्ता से ये देश में परिवर्तन आ सकता है। ओबीसी का में जागृति बहुत अच्छी तरह से आने लगी है। तो साथियों इसलिए ये आज का जो परिसंवाद रखा उसमें अलग अलग बहुत से बातें रखी। आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन है तो राष्ट्रीय अधिवेशन में कितनी बात करनी चाहिए इसकी भी मर्यादा हमने सोचना चाहिए। इसलिए मुझे जो मदद दी थी तो उससे थोड़ा कमती समय ही लेके मैं मेरे बात समाप्त करता हूँ। एक ही बात कहता हूँ, बातों बातों में विश्वास बदल जाता है, रातों ही रातों में इतिहास बदल जाता है। अगर आज आए बदलने वाले आपके जैसे यहाँ मंच पर बैठे उनके जैसे आपके जैसे अगर आज आए बदलने वाले मेश्राम साहब के जैसे तो जमी क्या आसमान भी बदल सकता है। इस ऐसा विश्वास करके मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी। धन्यवाद पाटिल साहब, आपने विषय के संदर्भ में बात रखी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ मान्यवर रामधारी दिनकर साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश से, वो इस विषय के संदर्भ में अपनी बात रखे। माननीय रामधारी दिनकर साहब। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए 4 अधिकार मांगे थे, गांधी के लाख विरोध के बावजूद भी अंग्रेजों ने उन चारों अधिकारों को 17 अगस्त 1932 को
कम्युनल अवार्ड के तहत प्रदान कर दिया। ये अधिकार जिसमें पहला अधिकार था लोक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, दूसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा दो बार वोट करने का अधिकार और अंतिम प्रमाण मताधिकार। ये अधिकार केवल अधिकार नहीं थे बल्कि ये मूल निवासियों की आजादी थी। ये अधिकार जैसे ही मिले गांधी को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने इसके दूरगामी परिणाम के बारे में निष्कर्ष निकाल लिया और उन्होंने सोचा कि अगर ये अधिकार बरकरार रह गए तो इस देश में मूल निवासी समाज के लोग ब्राह्मणों की आजाद गुलामी से आजाद हो जाएंगे। इसलिए गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने अपना आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 4 दिन बीतते बीतते गांधी की हालत बहुत खराब हो गई और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर बाबा साहब को विवश होकर के हस्ताक्षर करना पड़ा। ये जो पूना पैक्ट हुआ ये जोर जबरदस्ती से शरारतपूर्ण ढंग से और षड्यंत्र पूर्वक इसको करवाया गया। पूना पैक्ट के नाते हम आज अधिकार वंचित है और सम्मान वंचित है। पुराणों में एक कथानक है, देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें अमृत और शराब भी निकला था। जब अमृत पीने के लिए राक्षस असुर लोग जब संघर्ष शुरू कर दिए, देवता लोग उन्हें देना नहीं चाहते थे, तो विष्णु ने देखा कि असुर सबल हैं, अमृत ये पी जाएंगे, इसलिए विष्णु ने मोहनी रूप धारण किया और छल कपट से शराब को असुरों को पिला दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार से छलिया विष्णु ने राक्षसों के अमृत के अधिकार से वंचित कर दिया। ठीक उसी प्रकार छलिया गांधी ने भी पूना पैक्ट के माध्यम से हमारी आजादी को छीन लिया। गांधी पाखंडी था, गांधी बहुरूपिया था, उसका महात्मापन एक ढोंग था, वो सातिर राजनीतिज्ञ था, उसका सत्य राष्ट्रघाती था, उसकी अहिंसा एक छलावा थी जिसके नाते उसकी बकरी कट रही है, उसका चरखा टूट गया है, उसके खद्दर के चद्दर में उसके चेले रूपी डाकुओं को छिपने का लिबास मिल गया है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शराब और मदिरा छुआछूत इस देश का कलंक बनी हुई है।
ये सब कुछ पूना पैक्ट के नाते है। गांधी के पूना पैक्ट के नाते पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के नाते हमारा जो वास्तविक प्रतिनिधित्व था वह समाप्त हो गया और वास्तविक प्रतिनिधित्व के स्थान पर नॉमिनेटेड प्रतिनिधित्व इन्होंने लागू कर दिया है। नॉमिनेटेड प्रतिनिधित्व के नाते आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी का होते हुए वो ओबीसी के लिए ओबीसी का सत्यानाश करने का काम कर रहा है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे करके ये कह दिया कि ये जाति आधारित जनगणना ओबीसी की नहीं होगी। ये इतना बड़ा दुष्परिणाम है, ये पूना पैक्ट का परिणाम है। इसलिए यदि पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता तो केवल केवल उस क्षेत्र से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ते और उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही उनको वोट देकर के जीतवाते। इस तरह से वोट देने वाले भी और चुनाव लड़ने वाले दोनों अनुसूचित जाति के ही लोग होते, वो सच्चा प्रतिनिधि होते, वो विधानसभाओं और पार्लियामेंट में जाकर के हमारी सच्ची लड़ाई लड़ते। लेकिन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के नाते हमारे वोट के अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया। आज ओबीसी के लोग और माइनॉरिटी के लोग एक गलतफहमी के नाते, ना जानकारी होने के नाते ऐसा सोचते हैं कि पूना पैक्ट केवल अनुसूचित जाति और जनजाति पर ही लागू है। नए साथियों, पूना पैक्ट अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और माइनॉरिटी सभी लोगों के ऊपर लागू है। ये पूना पैक्ट की ही देन है कि हमारे भारत का संविधान पार्लियामेंट के निकट शासक वर्ग के द्वारा जंतर मंतर पर जलाया जाता है। हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो सांसद हैं वो गूंगे और बहरे बन जाते हैं। ये पूना पैक्ट का दुष्परिणाम नहीं है तो और क्या है? ये हमारे एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के जो इतनी बड़ी संख्या में जो सांसद हैं इनका क्या मतलब है? ये क्यों है? ये सारा दुष्परिणाम पूना पैक्ट के नाते हो रहा है। हमारे लोगों को इतिहास के बारे में सही जानकारी न होने के नाते इस तरह से गलत फहमी होती है। इसकी जानकारी हमें हासिल करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओबीसी के महापुरुषों की विरासत को चला रहे थे, साहू जी महाराज की विरासत को चला रहे थे। साहू जी महाराज के कहने पर उस समय वो उनके निर्देशानुसार काम कर रहे थे। जब 1918 में साउथ बरो कमीशन भारत में आया हुआ था, विध मंडलों का गठन हो रहा था, उस समय साहू जी महाराज शूद्रों अति शूद्रों की लड़ाई लड़ रहे थे। साहू जी महाराज ने
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सत्य शोधक समाज के भास्कर राव जाधव के माध्यम से लिखित मेमोरेंडम कमीशन में दिलवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे लोगों को विधिमंडलों में प्रतिनिधित्व देने की संस्तुति हुई थी और उसी के परिणाम स्वरूप 1919 में इंडिया एक्ट बना था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 मई 1922 को राजर्ष साहू जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे, नहीं तो 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन भारत में आया था और ओबीसी के लोग गांधी के राजनीति के शिकार हो गए, गांधी के झांसे में आकर के उसके समर्थन में चल गए, अपनी लड़ाई छोड़कर उनके समर्थन में चले गए। यदि साहू जी महाराज जीवित होते तो ऐसा नहीं होता। साइमन कमीशन जो हमें हक अधिकार देने के लिए आया था, हमें सारे हक अधिकार उसी समय मिल गए होते, ओबीसी के लोगों को हक अधिकार उसी समय मिल गए होते। 24 सितंबर 1932 को पूना बैठ होता है, तब भी साहू जी महाराज नहीं थे। साहू जी महाराज होते तो गांधी ऐसे छलिया पूना पैक करवाने में कतई सफल नहीं होते। इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है। एक दिन था जब ओबीसी के जितने महापुरुष हैं वो अछूतों के लिए इस देश में उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की गुलामी से निकालने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। आज जो हमारा दुश्मन है, हम लोग जो हमारी जड़ों में गर्म पानी डालने का काम कर रहा है, जो हमारे हक अधिकार को छीन रहा है, इतिहास की सही जानकारी न होने के नाते हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है। ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का यह हक बनता है या जिस देश की जो दुर्दशा हो रही है, बड़े भाई होने के नाते ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इस लड़ाई में तन मन धन से काम करें, सहयोग दें। अन्यथा गांधी मर गया लेकिन उसका भूत आज भी पूना पैक के रूप में हमारा पीछा कर रहा है। जो ईवीएम का मामला है वे इसी नाते है, हमारे समाज का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व है, हमारे समाज में जो दलाल और भणवे पैदा हो गए हैं उसी की देन है। ओबीसी और माइनॉरिटी के ऊपर पूना पैक्ट इनडायरेक्ट लागू है, इस बात को समझना चाहिए। पंचायत राज कानून के माध्यम से पूना पैक्ट इस देश में लागू है। पूना पैक्ट के नाते ओबीसी और माइनॉरिटी में भी दलाली और भड़वागिरी उत्पन्न हो गई है।
इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। अगर इस देश में पूना पैट लागू नहीं हुआ होता तो आज हम इस देश के हुक्मरान होते। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सच्चे प्रतिनिधि के रूप में ये जाकर के जब पार्लियामेंट में ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के मामलों की लड़ाई लड़ते और वे जब चुन करके आते तो ये सभी लोग मिलकर के आपस में समस्याओं के बारे में लड़ाई लड़ते, तीन चार चुनाव के बाद हमारा बहुमत हो जाता और हमारे लोग सत्ता पर काबिज हो जाते, इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के सारे अंगों पर काबिज हो जाते और इस तरह से हम इस देश के हुक्मरान बन जाते। इसलिए पूना पैक्ट का जो दुष्परिणाम है ये बहुत खतरनाक है और इसी की देन है कि आज हम इस देश में लाचार हैं, बेकार हैं, गुलाम हैं। किसानों की समस्या, किसानों की आत्महत्या, महिलाओं का बलात्कार, बेकारी, रोजगारी, गुलामी, ये सब इसका कारण है। ये पूना पैट के नाते ऐसा हो रहा है, इस बात का हमें गर्व है कि ओबीसी के महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो विरासत है, आज की डेट में परम आदरणीय मोहम्मद मेसराम साहब बाम सिर के माध्यम से उस विरासत को चला रहे हैं और उसी विरासत के आधार पर, उसी विचारों के आधार पर इस देश में हमारे आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सभी लोग इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का एक सामाजिक ध्रुवीकरण होना चाहिए। हम सारे लोग मिलकर के माननीय वामन मेसराम साहब का जो सच्चा नेतृत्व है उस नेतृत्व का साथ दे करके हम लोगों को आजाद हो जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मुनवासी। धन्यवाद रामधारी दिनकर साहब। वक्ता के रूप में, अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय डॉक्टर राजेश कुमार, राष्ट्रीय महासचिव इम्पा नई दिल्ली से। वो विषय के संदर्भ में अपनी बात रखे। माननीय डॉक्टर राजेश कुमार। साथियों, जय मूलवासी। बामसेव एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 38वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन में अभी सभी साथियों का स्वागत करता हूं और जो ऑनलाइन ऑल इंडिया में और पूरे देश दुनिया भर में सभी साथी देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। इस प्रबोधन सत्र क्रमांक 1 में जो विषय रखा गया हुआ चर्चा के लिए, ओबीसी एवं माइनॉरिटी के लोगों की गलत फहमी है कि पूना पैक्ट केवल एससी एसटी के लिए है, मगर ये वास्तविकता नहीं है। दूसरा क्लब किया हुआ विषय इसी में है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन थोपने का सिद्धांत मूलतः इस्तेमाल करो और फेंक दो का सिद्धांत है। बहुजन समाज को इसकी जानकारी ना होने से पूना पैक्ट आज तक सफल हो रहा है, इसका समाधान कैसे। तीसरा क्लब किया हुआ विषय इसी में है, अगर राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज 1932 में जिंदा रहते तो क्या गांधी जी द्वारा पूना करार थोपना संभव होता, अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज की विरासत को चला रहे थे, गंभीर मंथन। इन तीनों विषयों पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वर्तमान में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। विषय ऐतिहासिक है लेकिन वर्तमान में इसकी जो प्रासंगिकता है उसके साथ हमको इसका विश्लेषण करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले ही 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को सुपुर्द किया था
और उस समय उन्होंने भाषण किया हुआ था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उस पर अमल करने वाले लोग सही नहीं है तो संविधान गलत साबित होगा, और संविधान चाहे कितना भी खराब हो, अगर उस पर अमल करने वाले लोग ठीक है तो संविधान सही साबित होगा। 26 जनवरी 1950 को हम लोग विरोधाभासी परिस्थिति में प्रवेश करने वाले हैं। वन वैन, वन वोट, वन वैल्यू होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक विषमता कायम रहेगी। जितनी जल्दी हो सके इस विषमता को हमें दूर करना चाहिए। ये जो बातें हैं बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड है जो आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन शुरू किया था 1848 में। वो आंदोलन क्या आंदोलन था? वो आंदोलन मूल निवासी बहुजन समाज, जिनको राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शूद्र और अतिशूद्र कहते थे, उनके प्रतिनिधित्व का मुद्दा था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे समस्याएं शूद्र और अतिशूद्रों की है, लेकिन नियंत्रण जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में है, इसलिए वो लड़ाई उस समय लड़ रहे थे। इसीलिए कहते थे कि जब तक अंग्रेज है, शूद्र और अतिशूद्रों के पास में अवसर है, शूद्र और अतिशूद्रों को ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद होने के लिए पहल करना चाहिए। इस आंदोलन को आगे माता सावित्रीबाई फुले ने चलाया, और वही आंदोलन बाद में फिर राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया। 1922 में उनकी मृत्यु होने के बाद में वो आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नियंत्रण में आया, और 1956 तक वो चलाते रहे, लगातार इस आंदोलन की लड़ाई लड़ते रहे। इस आंदोलन में वास्तविकता में जो चीजें थी वो प्रतिनिधित्व का मामला था। अगर केवल रोजी रोटी कपड़ा मकान का ही मुद्दा होता तो इसके लिए ब्राह्मण कभी भी शूद्र अतिशूद्र को मना नहीं करते। वर्तमान में भी अगर आप देखते हो तो 5 किलो चावल और रिफाइंड ऑयल वो देने के लिए तैयार है, वो खाने के लिए दे रहे, लेकिन अगर आप एडमिशन मांगते हो मेडिकल कॉलेज में तो देने के लिए तैयार नहीं, अगर आप नौकरी मांगते हो तो वो देने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब है कि वो आपको क्यों नहीं देना चाहते हैं, केवल नौकरी का भी मामला नहीं है, वो मामला रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है। जो लड़ाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शुरू की थी उसका एंड प्रोडक्ट है वो भारत का संविधान है। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले आंदोलन नहीं शुरू करते तो भारत में भारत का संविधान जो दिखाई देता ये आपको दिखाई नहीं देता। इस आंदोलन को राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने प्रभावशाली ढंग से अपने राज्य क्षेत्र में लागू किया। साहू जी महाराज को सामाजिक रिफॉर्मर के रूप में, राजनीतिक रिफॉर्मर के रूप में और शिक्षा के रिफॉर्मर के रूप में उनको याद किया जाना चाहिए। बहुत सारे उन्होंने बड़े बड़े काम किए। इसका मतलब है कि राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज जो ज्योतिराव फुले आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात जो कह रहे हैं, कैसे कहते हैं, जब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड समिति सुधार समिति आई थी 1918 में, उसके समय उसके सामने मेमोरेंडम रखते हैं 17 अगस्त 1918 को कि हमको नामधारी प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। लेकिन 17 अगस्त 1932 में जो कम्युनल वार्ड हुआ उससे उस समय तक साहू जी महाराज जिंदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1922 में उनकी हत्या हो जाती है। 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल वार्ड डिक्लेयर होता है वो केवल अछूतों के लिए डिक्लेयर होता है, उस समय ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। और जब भारत में संविधान की प्रक्रिया शुरू होती है, उस संविधान सभा की प्रक्रिया के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी के लोगों को कहते हैं, आप ओबीसी के लिए डिमांड क्यों नहीं करते हो? लेकिन ओबीसी के लिए डिमांड करने वाले जब लोग नहीं आते हैं, फिर भी बावजूद इसके बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में प्रोविजन करते हैं अनुच्छेद 340 के माध्यम से कि भारत में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है, उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उनका समाधान होना चाहिए। इसलिए साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को सुपुर्द किया तब कहा था कि हम लोग
कंट्राडिक्टरी लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं, विरोधाभासी परिस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। वन मैन वन वोट वन वैल्यू होगा, लेकिन सामाजिक आर्थिक विषमता अगर जारी रही तो आने वाले समय में जितनी मेहनत से हम लोगों ने डेमोक्रेसी को बनाया उसको लोग फूंक मारकर हवा में उड़ा देंगे। और आज ये बात सिद्ध हो गई है, 1931 की जनगणना के आधार पे 52% ओबीसी कहा जा रहा, लेकिन 1947 में भारत का विभाजन होने की वजह से ये संख्या आज की डेट में बहुत ज्यादा है, 60% से ज्यादा ओबीसी की संख्या है। उस ओबीसी को इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि उनकी समस्याओं का कारण भारत की व्यवस्था है। अगर संविधान पे सही से अमल होता तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। भारत सरकार में 28 मंत्री बनाए गए, उन मंत्रियों को कोई भी मंत्रालय ना दिया गया और ना ही कोई ओबीसी का मंत्री ओबीसी के संदर्भ में कोई काम बोलने का काम करने का करता है, ना तो कास्ट बेस्ड सेंसस के संदर्भ में, ना ही उनके मेडिकल में प्रवेश के संदर्भ में। जब नीट का एग्जाम शुरू होने वाला था, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ओबीसी को 27% जो रिजर्वेशन है वो भी माइनस करके डिक्लेयर किया। जब आंदोलन खड़ा किया गया उसके बाद में वो लागू किया गया। अभी इलाहाबाद में जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है वहां पर ओबीसी के लिए 0 रिप्रेजेंटेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया गया। इसका मतलब जो प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो 0 हो रहा है। उसकी वजह है क्योंकि राजनीतिक लेवल पे जो तुम्हारा प्रतिनिधि है वो नॉमिनेटेड है। जैसे SC ST के लिए पूना पैक्ट के माध्यम से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंह नहीं खोलते हैं, वैसे ओबीसी के भी सांसद ओबीसी के भी प्रतिनिधि नॉमिनेटेड है। एक तरीके से वो लोग ओबीसी के मुद्दे पर कोई मुंह नहीं खोलते। ये बात ओबीसी के लोगों को समाज के अंदर समझाने की जरूरत है। अगर ओबीसी के लोगों को SC ST के लोगों को ये बात समझ में आती है तो उनके अंदर भाईचारा निर्माण होगा और वो वास्तविक प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक भारत की राजनीति व्यवस्था में वास्तविक प्रतिनिधि नहीं आते हैं तब तक हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए SC ST ओबीसी के लोगों के बीच में जाके जन जागरण करके उनको समझाया जाना चाहिए कि जो हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन अभी भी जारी है। फ्रीडम ऑफ द कंट्री हो गया लेकिन फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री यानी भारत के लोगों की आजादी जो है वो संविधान के अंदर निहित है। अगर संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के तहत अगर हमारे वास्तविक प्रतिनिधि होंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रतिनिधि का मतलब है 1,31,00,000 की जो जनसंख्या है, अभी और ज्यादा हो गई होगी, इसे अगर सेंसस होगा तो पता चल जाएगा। ये जनसंख्या सारी संसद में नहीं जा सकती कानून बनाने के लिए, इसमें से इनके प्रतिनिधि ही जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि के नाम पर जाते हैं वो हमारी किसी भी समस्या के ऊपर चर्चा करने के बजाय वहां पर पार्टी के प्रतिनिधि बन जाते हैं। समाज के अंदर पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं लेकिन समाज के यानी ओबीसी SC ST के प्रतिनिधि संसद में मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान ओबीसी SC ST के लोगों को समझना होगा क्योंकि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन जब तक रहेगा ये हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और साथ साथ में ओबीसी को इस बात को भी समझने की जरूरत होगी कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मैं इसी के साथ यहीं पर रुकता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूलवासी साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजेश कुमार, विषय के संदर्भ में आपने इस सत्र में बात रखी। अध्यक्षीय समारोह में माननीय वामन मिश्राम साहब, ये जो पहला प्रबोधन सत्र है और दूसरा प्रबोधन सत्र है, दोनों के अध्यक्षीय समारोह ये भाषण जो है दूसरे सत्र के बाद ही करेंगे। तो अभी जो है दूसरा सत्र जो है वो 6:30 बजे से शुरू होगा। अभी चाय का समय हुआ है तो चाय के समय के लिए ये ब्रेक होगा, लेकिन दूसरा जो प्रबोधन सत्र है उस सत्र के लिए सभी साथी 6:30 बजे इस हॉल में उपस्थित रहे। और जो लोग वर्चुअल इसको सुन रहे हैं उनसे भी विनती है कि वो 6:30 बजे इस लिंक को ज्वाइन करें जिसमें इन तीन विषयों पर चर्चा होगी। क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी के लिए ब्राह्मणों का मुखौटा है, एक विचार मंथन, केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में
हलफनामा देकर ओबीसी की जाता आधारित जनगणना करने से इनकार करना पिछड़े वर्ग के साथ आरएसएस एवं बीजेपी के धोखेबाजी का दस्तावेजी सबूत है, एक गंभीर चिंतन अथवा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का डंका पिटना, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर अमल न करना यह ओबीसी को हक अधिकार से वंचित करने की गंभीर साजिश है, एक पर्दाफाश। इन तीनों विषयों पर ये दूसरे प्रबोधन सत्र में चर्चा होगी।